यार, आ जाते हैं अपन सीधे अपने टॉपिक्स पर। हमने इंग्लिश में क्या क्या पढ़ लिया है? हमने इंग्लिश में पहले सबसे पहले बी सेक्शन कंप्लीट किया था। टेंशन मत लो, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं इनको आप प्रिपेयर कर लेना, लर्न कर लेना। इसके अलावा मैंने एक और पीडीएफ भेजी इंग्लिश की, है ना, उसमें ये चीज़ें अपन ने की है। इसके अलावा एक और पीडीएफ थी जो हमने तब भेजी थी जब अपन ने इंग्लिश की क्लास ली थी, उसमें अपन ने सेक्शन भी देखा था। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब देखो कुछ पोस्टर्स वगैरह ये सारे की सारी चीजें अपन कर रखे हैं। ये वाटर कंजर्वेशन का जो पोस्टर है बहुत ज्यादा मायने रखेगा, से नो टू प्लास्टिक बैग। इसके अलावा हमने लेटर्स भी समझ लिए थे। अब देखो अगर जिनको किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इनसे रिलेटेड, तो यूट्यूब पर अपन ने रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिए हैं, ठीक है ना, तो आप उन्हें देख लेना। क्लियर हो गया? अब देखो, हाँ अब आ जाते हैं अपन इधर, थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं। ये चीज़ें थी जो हमने प्रिपेयर की थी। इसके अलावा देखो हम देखते हैं आज ग्रामेटिकल सेक्शन। आज हम देखते हैं थोड़ा ग्रामेटिकल सेक्शन। जिन भी बच्चों ने, मैंने कहा था आप सभी से कि यूट्यूब पर ग्रामर के, यानी कि जो इंग्लिश है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके ग्रामर के आप सारे वीडियोस देख लेना ताकि प्रिपरेशन हमारी बढ़िया हो जाए यार, ग्रामर के अपने मार्क्स कंफर्म हो जाएं। इसके अलावा अगर ग्रामर स्ट्रांग रहेगी तो बाकी सारे टॉपिक्स पर इसका एक अलग ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो अगर आप सभी ने वीडियोस देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस चीज को। और कौन आ गया है? प्रेमचंद। ओके ठीक, अपना पेपर कैसे गया, कैसा गया आप भी बताइए जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। एक काम करो, अपना नाम भी बता दो, बिकॉज आई थिंक ये आपके पापा की या फिर आपके भाई की ईमेल आईडी है, सो मुझे नाम नहीं पता चलता है, नाम भी बता दीजिएगा। इसके अलावा आपका पेपर कैसा गया ये बता देना, है ना, चैट बॉक्स में। सर कल सुबह क्लास रहेगी? जी हाँ कल सुबह क्लास रहेगी, कल सुबह क्लास रहेगी जिसमें हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। बाकी सारी इन द सेंस ए सेक्शन हो गया अपना, कि पैसेज को आप कैसे टैकल करोगे। इसके अलावा नोट मेकिंग और समरी जो आती है उसको आपको कैसे टैकल करना है ना। एक और चीज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम एंड प्रोज जो अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन उसको एक और बार कल देख लेंगे अपन। ठीक, इसके अलावा शाम के समय, कल शाम के समय 40 या 50? सर मस्त 80 में से 70 फिक्स। ओके ओके बहुत बढ़िया, यही चीज चाहिए थी अपने को। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कल सुबह अपनी क्लास रहेगी जिसमें अपन क्या करेंगे, ए सेक्शन अपना कंप्लीट कर लेंगे पूरा। बी सेक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यार आप सभी को क्या करना है, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी उसकी और इजी बनाकर बी सेक्शन की, उसको पढ़ लेना अभी तो अच्छे से। ओके, रिवाइज अपन कल करेंगे, 4 बजे अपन एक क्लास लगाएंगे जिसमें अपन रिवीजन करेंगे। कल वाली जो क्लास है वो हिंदी की क्लास की तरह नहीं रहेगी। हिंदी की क्लास में अपन ने क्या किया था, रिवीजन किया था, तो 4 घंटे लगातार हमने पढ़ाई की थी, तो वो कल की क्लास में नहीं होगा। कल हम सिर्फ 1 से 2 घंटे का रिवीजन करेंगे जो कि इनफ भी होगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो अब यहां पर क्या है, इंग्लिश में हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर जो कि अपना पूरा डी सेक्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लर्न करते रहो, अपने स्टोरी समझ ली है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। आज क्या करवा रहे हो, तो आज हम करेंगे अपना सी सेक्शन, ग्रामर वाला सेक्शन, ठीक है ना, तो करते हैं इसको अपन स्टार्ट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, आई हैव सीन ए लॉट ऑफ प्लेसेस। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लोट आ जाए, तो उसके आगे आप ए लगा लीजिएगा बिना किसी झिझक के। ठीक है, आई प्रेफर टी। अब देखो यार यहाँ पे है ना, आपको ऑप्शन भी देंगे वो, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देंगे, जैसे आई प्रेफर टी देन दे सकते हैं। ओके इसके अलावा टू दे दिया उन्होंने, इसके अलावा फ्रॉम दे दिया। ठीक, ऐसी चीजें हो सकती है, तो आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ जिससे हो गया अपना प्रेफर, ठीक है, प्रेफर हो गया, सुपेरियर हो गया, इन्फेरियर हो गया। अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो और कंपैरिजन हो रहा हो, इसे ऐसे वर्ड्स आ जाएं प्रेफर सुपेरियर इन्फेरियर और कंपैरिजन हो रहा है, बेसिकली अपन क्या करते हैं, राम इज टेलर देन श्याम, इस तरीके से अपन बोलते हैं कि भैया राम है वो श्याम से लंबा है। लेकिन यहां पर हम देन नहीं लगाएंगे, जब भी ऐसे वर्ड्स हो यार, प्रेफर इन्फेरियर सुपेरियर, तब हम क्या करते हैं, तब हम टू लगाते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो कि भैया प्रेफर सुपेरियर इन्फेरियर ऐसे अगर अपने पास शब्द अपने को देखने को मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पर टू लगा देंगे, देन नहीं लगाएंगे।
क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया इतना? इसको नोट डाउन कर लो आप। इसको नोट डाउन नहीं करना है, मैंने जो बोला आपको कि सुपेरियर इंफेरियर ऐसे वर्ड्स आएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम वहां पर टू लगा देंगे, है ना? इस बात को आप ध्यान रखिए सभी, ये चीज रहेगी। इसके अलावा और पढ़ते हैं अपन आगे, मैं दूसरी पीडीएफ लगाता हूं उससे अपन पढ़ेंगे, ठीक है? अभी स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं। जस्ट वेट कीजिए आप सभी। अब देखो यार, हमने ना इंग्लिश में जो डी सेक्शन कंप्लीट किया है, इसके अलावा जो बी सेक्शन कंप्लीट किया है उसको आप बढ़िया से रिवाइज कर लेना यारों, ओके? और अभी अपन करेंगे अपना सी सेक्शन जो कि ग्रामेटिकल बेस्ड है, ग्रामर पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं अपन इसको भी। अभी आपको स्क्रीन दिखेगी, ये लीजिए, ओके। अब आपको दिख रही स्क्रीन, देखो। हाँ, कई सारे बच्चों के मन में अभी भी वही पेपर लीक वाले सवाल है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको उस चीज के ऊपर फोकस फिलहाल नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने नेक्स्ट एग्जाम पर। अगर जो भी होगा आपको पता लग जाएगा, चिंता क्यों ले रहे हो, ओके? आगे जो भी होगा आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या सीन है, एग्जाम हो रही है वापस नहीं हो रही है, या फिर हमेशा की तरह इस बार एमपी वर्ड फिर ठंडा पड़ जाएगा। हर बार होते हैं पेपर लीक, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट के होते ही रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है, तभी तो ऐसी हरकतें हर बार होती आ रही है अपने एमपी बोर्ड में, ओके? तो उसके ऊपर आप फोकस मत करो, फोकस आपका इसके ऊपर रहना चाहिए कि हम अगले एग्जाम की, अगले पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है? आर्टिकल्स हैं यार हमारे पास, देखो ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाएंगे अपन। एन पढ़ेंगे सबसे पहले। एन को हम कब यूज करते हैं, जब बेसिकली वोवेल हो, जो शब्द है अपना वो वोवेल वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे आप देखो यहां पर ऑरेंज, ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हमने एन लगा दिया। इंपॉर्टेंट, आई से स्टार्ट हो रहा है, हमने एन लगा दिया। अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट हो रहा है, हमने एन लगा दिया। एक चीज का आप ध्यान रखें, ये यू से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे मैंने क्या लगाया, एन लगा दिया। ये आई से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे मैंने एन लगा दिया। ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे भी मैंने एन लगा दिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। उनमें सवाल आ रहा होगा कि फिर कैसा होगा। मैंने कहा यार इसको ना आप बोल के देखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपने बोला, आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगा, ई, फिर बाद में आएगा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ई निकलेगा ना, ई इंपॉर्टेंट। तो ई जो निकल रहा है, अब बताओ वो स्वर है या व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। अब जिनको कॉन्सोनेंट और वोवेल की कुछ खबर नहीं है उनको मैं बता दूं कि भाई साहब, जो अपने अ से लेकर अहा तक आए वो है वोवेल, अ से लेकर अहा तक आए वो है वोवेल। उसके अलावा जो भी आए क से ज्ञानी तक, वो सब के सब क्या है, वो है अपने कॉन्सोनेंट। तो जब भी वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे इंपॉर्टेंट बोला मैंने, इंपॉर्टेंट बोला, सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं, ई बोल रहा हूं, ई। आप ना इसको हिंदी में लिख के देख लिया करो, अगर माइंड में कंफ्यूजन रहे तो हिंदी में लिख के देख लो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को आप हिंदी में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ये अपना इमली का, फिर ऊपर बिंदी लगाओगे, फिर जो भी है आगे की चीजें। तो आप देखो सबसे पहले आपने ई लिखा, ई क्या है, स्वर है ना, अ से आ के बीच में आ रहा है, वो वेल है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एन लगा देंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहां देखो, ही इज एन एम एल ए। अब यार देखो ये क्या है, एम है। अगर हम इंग्लिश की डिक्शनरी में देखें तो ये जो एम है, एम ये वोवेल के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहां पे क्या आते हैं, सिर्फ ए ई आई ओ यू, वोवेल के अंदर नहीं आ रहा है इंग्लिश डिक्शनरी में। अपने को क्या करना है, इसको सीधे हिंदी में लिख के देख लेना है। अगर माइंड में ज्यादा कंफ्यूजन है, अपने को चीजें समझ नहीं आ रही, तो हिंदी में लिख के देखो, हिंदी में लिख के देखो। जब आप एम एल ए लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले बनाओगे आप ए ए डी का, फिर लिखोगे म मछली का। तो अब देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा, ए लिखा ना, ए। अब ये ए तो अ से अह के बीच में आता है, तो यहां पे मायने नहीं रखेगा कि यहां पे ए ई आई ओ यू आ रहा है नहीं आ रहा है। हम उसको हिंदी में लिख के देखेंगे और फिर जानेंगे कि यार जो पहला अक्षर है हमारा वो अ से अह के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? बस यही चीजें आपको ए एन द के अंदर करनी रहेगी। ये तो अपना एन का हो गया, और भी पढ़ेंगे अपन आगे, और भी पढ़ते हैं अपन आगे। रुको, ये देखो ए आ गया। अब हमने कहा आपको कि अ से अह के बीच में अगर आ जाए तब हम एन लगा देंगे, अगर इनके अलावा कुछ आया तो क्या करेंगे, तो ए लगा देंगे अपन।
तब क्या करेंगे अपन, ए लगा देंगे। क्लियर। ए का प्रयोग हम उस शब्द के पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट व्यंजन से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट क्या है जो अपन ने पढ़े, ए ई आई यू यू, उनके ऊपर मत जाओ, हिंदी में आ जाओ तुम तो। ये देखो आपने कार लिखा, कार लिखा, कार, ठीक है, ये है कार। अब जब आपने कार लिखा तो आप कैसे लिखोगे हिंदी में, सबसे पहले क कमल का बनाओगे, यार क तो आ से आ के बीच में नहीं आता है, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, ए लगाऊंगा। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये देखो, यहां पे ये मत सोचना कि यार ये तो ई है फिर यू है, मतलब ई है आगे तो इसके आगे तो एन लगना था, नहीं। मैंने क्या बोला, आपको अगर ज्यादा ही दिक्कत आए तो मस्त हिंदी में इसको लिख के देखो। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ, क्या यूरोपियन, यूरोपियन लिखा हुआ है, तो यूरोपियन को जब आप हिंदी में लिखोगे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, य यत्ति का, फिर लगाओगे बड़ा उ की मात्रा। य यत्ति का आपने लिखा, अ से आ के बीच में आ रहा है क्या, मैंने कहा नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे एन लगा दूं यार। ठीक है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द, द का प्रयोग हम ग्रेट थिंग्स के पहले करते हैं, जो भाई सब जितनी भी महान महान चीजें हैं उनके पहले करेंगे। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व में भी हम द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इन द सेंस, जिसे मैंने कहा कि रोहन इज ए गुड डांसर, तो ये अपनी कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। इसके अलावा मैं कहता हूं, मैंने कहा रोहन इज ए गुड डांसर, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। ओके, देन अगर मैं कहता हूं कि रोहन इज, हाँ मतलब रोहन इज बेटर देन, रोहन इज बेटर देन मोहन, तो यहां पे क्या चीज आ रही है कि रोहन जो है मोहन से बेहतर है। ठीक है, तो ये हो जाती है अपने कंपेरेटिव डिग्री। वही मैं बात करता हूं जो रोहन है, रोहन इज द बेस्ट, रोहन इज द बेस्ट, तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री में जाओगे तो उसके आगे आपको द लगाना होगा, सॉरी पहले उसके द लगाना होगा। जैसे मैंने कहा यहां पे एक मान लीजिए रनिंग का कंपटीशन चल रहा है, रनिंग चल रही है, ओके, सो वहां पे भी चीजें होती हैं कि सुमित इज फास्टेस्ट, ओके, सुमित इज फास्टेस्ट मतलब सुमित इज द फास्टेस्ट रनर, वहां पे अपन फास्टेस्ट नहीं बोलेंगे, उसके आगे अपने को द लगाना पड़ेगा। तो आप चीजें समझ जाना, जब भी ऐसी बात आ जाए कि सबसे बेस्ट की बात हो रही हो तब आप क्या करोगे, उसके आगे लगाओगे द। ग्रेटेस्ट हो जाए, है ना, मोस्ट आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना मोस्ट ब्यूटीफुल, तो उसके आगे भी आपको द लगाना पड़ेगा। ठीक है, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, ये चीज है यार। तो अब देखो इनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहां पर, तो उन्हें भी अपने को प्रिपेयर कर लेना होता है इन स्प्लिट सेकेंड। यहाँ पे तो इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली 100 ए लिख रखा है, तो यहाँ पे ए की जोड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इन ए स्प्लिट सेकेंड 100 पीपल सराउंडेड अस, ओके। फिर देखो गंगा इज सेक्रेड रिवर, तो आप ये मत सोचना कि यार ये तो पहले से ही 60 सेंटेंस है, नहीं है। गंगा, गंगा एक महान नदी है, हम इसके आगे द लगाएंगे, हम इसके आगे क्या करेंगे, द लगाएंगे, ओके। गंगा इज, सॉरी, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, ए सेक्रेड रिवर, ओके। मिस्टर डेविड, मिस्टर डेविड, यूरोपियन देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आप इसको हिंदी में लिखोगे तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है या यत्ति का। ठीक है, इट मींस ये क्या है, ये क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट के आगे अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए लगाएंगे ना बस, ओके। आयरन इज, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, ए लगाओगे आप, यू लिखा है तो ए लगा दो यहां पे, है ना। अब ये मत देखो यार कि ये यू लिखा है तो ये तो वो वेल, इसके आगे एन लगाऊं, नहीं, हिंदी में लिख के देखो आप, तो हिंदी में इमेजिन करके देख लिया करो, यूजफुल यानी कि मैं यत्ति का लिखूं, हट वहीं से कैंसिल कर दो, हट एन तो आएगा ही नहीं तुझमें, ए आएगा, ओके। चलिए यहां पे देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ लोग बोलते हैं हवर, हवर नहीं होता ये होता है आवर, क्या होता है आर। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुंह से क्या बोलते हो, आ, क्या बोलते हैं आप अपने मुंह से, आ, तो वो क्या चीज है, आ हो गया, इट मींस ये आ से हा के बीच में आ रहा है, तो हम यहां पे एन लगाएंगे। राम इज एनसीसी कैंडिडेट, ये मत देखो कि यहां पे एन है यार, ये वोवेल नहीं होगा, होगा हिंदी में लिख के देखो उसको, हिंदी में लिख के देखो और फिर देखो आ से हा के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनसीसी जब आप लिखोगे सबसे पहले एडी का, फिर लगाओगे ना, ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे सभी। इसके अलावा ये यहां पे थोड़ा सा एक ये है, मैन इज मोर्टल, यहां पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया और लगेगा भी नहीं, वैसे लगाया तो कहीं पे भी नहीं लेकिन यहां पे नहीं लगेगा, मैन इज मोर्टल, बिकॉज जो चीजें ऐसी होती है कि मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैन इज मोर्टल, ठीक है, तो उनके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो उसके आगे हम ए लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना द लगाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख लेना। अब देखो यार यहां पे भी कुछ क्वेश्चन है, ऑलैंड इज यूरोपियन कंट्री, तो आप ए एन द इनके अकॉर्डिंग लगा सकते हो, बहुत आसान है। ठीक,
और देखो आगे आ जाओ, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग टू टू, यूजिंग टू टू। ओके, कुछ और स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अपन एडमिट कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग टू टू। अब यार बहुत आसान है ये चीज, बहुत आसान। कैसे आसान है? 2 मिनट रुकना है ना, बहुत आसान है। अब रीजन बताता हूं इसके पीछे आसान होने का। रीजन ये है कि यहां पे आपको मुफ्त के नंबर मिलते हैं और चीजें बहुत सिंपल है। जैसे यहां पे देखो यार, यहां पे लिखा मैंने ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सेंटेंस को वापस लिखना है, किन्हें यूज करना है, यूज करना है टू टू को, किसको, टू टू को। ओके, इन वर्ड्स को यूज करके मुझे इसे रीराइट करना है। लेकिन कहने का मतलब यही होना चाहिए कि भैया वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ठीक, कहने का मतलब यही होना चाहिए। तो कैसे आप करोगे इस चीज को, मैं बताता हूं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। आपको ऐसे केसेस में क्या करना है, सो को हटा दो, टी डबल ओ वाले टू को लगा दो, ठीक है, फिर वीक को लिखोगे, फिर आपको क्या करना है, दैट से लेकर नॉट तक, हर केस में आपको देखने को मिलेगा दैट से लेकर नॉट, दैट से लेकर नॉट तक आप पूरी पिक्चर फिनिश कर दो और उसकी जगह पे टू लिख दो, ठीक है, टी ओ वाला टू लिख दो। देन आप लिखोगे वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, क्लियर। आगे देखो, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट ट्रेवल अलोन। इसको करोगे कैसे करोगे, ही इज टू यंग दैट ही कैन नॉट, को हटाओ यहां पे लगा दो टू, ट्रेवल अलोन। ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। यहां पे क्या करोगे इस केस में, ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। यहां पे भी आपने दैट से लेकर नॉट तक पूरी पिक्चर फिनिश कर दी, है ना, बस इतनी सी बात है। समय नहीं भी आते हैं, समय नहीं भी आते हैं। समय नहीं का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, सॉरी, सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव में करेंगे और एनी का प्रयोग हम कब करेंगे, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ बड़े ही महात्मा से हैं, उन्हें मोहमाया से कोई मतलब ही नहीं है, मोहमाया से एकदम दूर हैं, हालांकि दूसरी मोहमाया में उलझे हुए हैं लेकिन पढ़ाई को मोह समझते हैं और हमेशा दूर रहते हैं। तो उन्हें यह भी नहीं पता है कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, नहीं पता है तो क्या करें। देखो समझो, पहले तो मैंने आपको बोला है कि आप ना पूरी की पूरी ग्रामर कंप्लीट करके आओ, लेकिन फिर भी अगर कुछ यहां पर हमारे पास ऐसी प्रजातियां भी हैं जिन्होंने नहीं देखे अपने वीडियोस, तो उनको भी अपन बता देते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। यार आपको नोट देखने को मिलता है, इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और अफर्मेटिव क्या होगा, इनके अलावा जो भी है वो सब अफर्मेटिव में आ जाएंगे, क्लियर। ये चीज कुछ और स्टूडेंट्स जो इन्होंने जाते हैं उनको एडमिट करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो, कोई भी नहीं आ रहा, भ्रम था मेरा। चलो, सम का प्रयोग हम एफर्मेटिव में करेंगे, इसके अलावा एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे। ये हर जगह सत्य नहीं होगा, इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, हर जगह सत्य नहीं होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे यहां पे देखो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं कि हमको एन ही लगाना है। आप यहां पे भी देखो, चाय की बात हो रही है, चाय की बात हो रही है, सब मतलब होता है यार थोड़ा या फिर कुछ, ठीक है, चाय की बात, और इसके अलावा एनी का मतलब होता है कोई, है ना। तो यहां पे हम कोई नहीं लगा सकते यार, एनी मतलब कोई नहीं लिख सकते हैं, अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे सम ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाय सम क्लोथ्स, ठीक है, बाय सम क्लोथ्स। देखो सिंपल सा सेंटेंस है, हमने यहाँ पे सम लगा दिया, देयर इज नोट, नोट आया, हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो ऑरेंज जूस की बात हो रही है तो यहाँ पे अपने को सम ही लगाना पड़ेगा, भले नोट है लेकिन चीज यहाँ पे देखनी है आपको, क्या है, क्या एक्चुअली हैज ही गोट फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक दोस्त की बात होती कि हैज ही गोट फ्रेंड, तो आप क्या करो, तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप एनी लगा देते, लेकिन यहाँ पे दोस्तों की बात हो रही है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश करना कि भाई साहब उसके कुछ दोस्त बने, उसके कुछ दोस्त बने तो ही हैज ही गोट सम फ्रेंड्स, ठीक है। अगर वो पूछते कि हैज ही गॉट एनी फ्रेंड, यानी कि उसका कोई दोस्त बना, तब आप क्या बोलते हैं, भाई उसका कोई दोस्त बना, कोई दोस्त, तो तब आप एनी लगाते। सूप की बात हो रही है तब आप सम लगा दोगे। कम एंड सी मी, देखो नॉर्मल सा सेंटेंस है, कम एंड सी मी, सम टाइम आ जाएगा, नॉर्मल सा सेंटेंस है। हालांकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपको एनी ही लगाना पड़ेगा, कुछ केसेस ऐसे आएंगे जब वहां पे भी आपको सम लगाना होगा, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, जो आपको सही लगे वो लगा लेना, क्योंकि इसके ऊपर अगर अपन ज्यादा चर्चा करेंगे तो एक नंबर के पीछे अपना काफी ज्यादा समय चला जाएगा, और एक नंबर से ज्यादा कीमती अपना समय है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ना भी आए, ठीक है ना। तो सम और एनी में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह सकती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा समझोगे कि यार एक्चुअल में चीज क्या पूछी जा रही है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो।
आई बॉट, सॉरी दे बॉट, दे बॉट आ गया, बुक्स आ गया, नॉर्मल सी बात है। आप क्या लगाओगे, समी लगाओगे ना, है ना, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। ओके अब देखो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही हैज सम बुक्स, देखो भाई साहब उसके पास कुछ किताबें हैं। डू यू हैव एनी ब्रदर, ठीक है आपका कोई भाई है क्या। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मन का क्या, यहाँ पे नहीं आ गया। डू यू हैव एनी ब्रदर। इसके अलावा देयर आर सम फ्लावर्स हेयर, कुछ फूल हैं यहाँ पे। ही हैज नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स, ठीक है उसको कोई दोस्त नहीं मिला। डिड यू सी एनी बर्ड, बस यही चीजें हैं यहाँ पर। जब भी ज्यादातर यही होगा कि भाई साहब जब भी आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव देखने को मिला आप एनी लगा देना, है ना, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, एफर्मेटिव है, तब आप सम लगाओगे। क्लियर। यूज ऑफ एट इन एंड इन टू, देखो तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का अर्थ होता है मैं मतलब वो नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं मतलब मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, क्लासरूम में, क्लासरूम के बाद में जो मैं आया ना वो वाला मैं होता है, एट इन एंड इन टू, ठीक है। अब इनका जो यूज है वो अपन कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं कि भैया एट इन एंड इन टू तीनों का अर्थ होता है मैं यानी कि समझ जाओ वो वाला मैं, जब अपन किसी चीज के अंदर होते हैं, ठीक है, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, इसके अलावा ग्राउंड, ग्राउंड तो अपन नहीं बोल सकते। चलो एट का प्रयोग छोटे छोटे गांव व कस्बों के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि यार आई लिव एट सोनकच, अब सोनकच क्या है यार, एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, सोनकच क्या एक छोटा सा टाउन है, हो सकता है कि उन्होंने नाम नहीं सुना हो, तभी क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये थोड़ा या तो गांव होगा या छोटा छोटा टाउन होगा, ठीक है। तब अपन क्या करते हैं, तब अपन डायरेक्टली एड लगा देंगे। इनका प्रयोग कब करेंगे भैया, मैंने कहा कि बड़े बड़े शहरों, राज्यों, देशों के लिए अपन इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन इंडिया, भैया मैं भारत में रहता हूं, ओके, तब अपन क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। क्लियर है इतना। फिर देखो इनटू पे जाते हैं अपन। इनटू का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गति अवस्था में होने पर किया जाता है। देखो यार मतलब तो तीनों का मैं है, मतलब तो तीनों का मैं है, लेकिन यूज अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से करते हैं अपन। इनटू का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति अवस्था में हो, गति में यानी कि मोशन में हो, ठीक है, गति अवस्था में है, तो हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। ही इज स्विमिंग इनटू रिवर, कि भैया वो नदी में तैर रहा है। अब नदी में गया है, वैसा तो है नहीं कि बस नदी में गया, कुछ कर तो रहा होगा, गया तो इट मीन्स गया हो तो, है ना, बाकी कुछ कर रहा है यानी कि स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, तो नदी में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी कि इसकी जो बॉडी है गति अवस्था में, तब हम क्या करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ही स्विमिंग इन रिवर, नहीं वो नदी में नहीं तैरा, नदी में तैर तो रहा है लेकिन इन नहीं लगाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, इन टू लगाना पड़ेगा। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो चलो क्लियर हुआ हो तो एक बार इंट्रेस्ट कर दो। ओके 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 बहुत बढ़िया, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो और देखते हैं अपन आगे, इनटू हुआ। अब इनटू के बाद में देखो यार मैंने ओन एंड अपॉन भी ले रखे हैं। ओन एंड अपॉन, ओन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के ऊपर हो, जैसे कि यार मैंने कहा कि आई वॉज लाइंग ऑन बेड, मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। सेम केस अगर गति अवस्था में हो तो ओन की जगह आप ओन का प्रयोग करेंगे। जैसे अपन ने देखा कि इनका यूज कर रहे थे लेकिन गति अवस्था में आया तो इनटू कर रहे थे, बात कब हो रही थी, किसी चीज के अंदर होता है मैं, ठीक, लेकिन यहां पे बात क्या है, किसी चीज के ऊपर है ना। जैसे मैंने लिखा यार सी इज क्लाइंबिंग अपॉन ए ट्री, कि वो वह पेड़ पर चढ़ रही है, वह पेड़ पर चढ़ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पेड़ के पास गई और जाके एकदम खड़ी हो गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। पेड़ पर चढ़ रही है यानी कि मशक्कत कर रही होगी, मेहनत कर रही होगी, चढ़ने की कोशिश कर रही होगी, है ना, मोशन में कर, उसकी बॉडी मोशन में होगी ओवरऑल, तो वो किसी के ऊपर है, इसके अलावा मोशन में है, देन हम क्या कहते हैं, हम लगाएंगे अपॉन। मोशन में नहीं होता तो ऑन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रामर जो अपन ने पढ़ी इतनी, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव में तो करेगी करेगी, इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो आप अपने मन से बनाओगे वहां पे भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। अभी देखो आप बस, आपके सामने एक और स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, एक और बार स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, वहां पे अपन और कुछ चीजें करेंगे। देखो ये अपन ने सेक्शन सी स्टार्ट करते से देखा था, ये चीजें हमने देखी। अब देखो ये यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ना, वो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको माइंड मतलब महत्वपूर्ण रहेगी, जिनके ऊपर अपने को ध्यान रखना है। देखो वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यानी कि
हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। तो कोई सी चीज ऐसी होती है जो करना ही चाहिए और कुछ चीजें ऐसी होती है जो चाहिए। तो सिर्फ चाहिए वाली बात होती है तब हम सुड लगाते हैं, और करना ही चाहिए तब हम मस्ट लगाएंगे। तब हम क्या कर देंगे, यहां पे मस्ट लगा देंगे। ठीक, क्लियर इतना? बस ये बात है, करना ही चाहिए। एक और चीज यहां पे देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो जब भी आपको किसी चीज का यहां पे स्पेसिफिक रीजन दिया गया हो तो आप उसके आगे क्या करोगे, ऑफ लगाओगे। जैसे इसकी मृत्यु हुई है और उसका रीजन क्या है, मलेरिया। इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन बने जाते हैं कि ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ठीक है, यहां पे आपको मैंने डायरेक्टली ऑफ दे दिया, लेकिन वो कुछ और ही ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, ऑफ, बिकॉज, फ्रॉम। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बीमारी वगैरह होती है कि भैया सिंस मतलब ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो जब भी आप किसी चीज से सफर कर रहे हो तब आप क्या करोगे, फ्रॉम लगाओगे, है ना। ये चीज तो अपन ने एप्लीकेशन में भी देखी, छुट्टी की एप्लीकेशन में, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। ओके, ये चीज यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। माई फादर गेव मी 1 रुपी नोट। अब देखो यार, ओ से स्टार्ट हुआ, अब आप ये मत सोचना ओ से स्टार्ट हुआ तो इसको अपन वोवेल समझ ले, इसके आगे एन लगा दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसको आप जब पढ़ोगे या फिर कहूं मुंह से बोलोगे तो आप बोलोगे वन। वन को जब आप मन में इमेजिन करोगे, हिंदी में लिखोगे, तो सबसे पहले क्या आता है, वह वन का वह वही आएगा ना, वह वह आएगा। तो वह आ से आ के बीच में नहीं आ रहा है, यहां पे एन नहीं लगाएंगे अपन। ठीक है, और देखो, अब जिन्होंने टेंस पढ़ लिए हैं, जिन्होंने अपनी ग्रामर पढ़ ली है, उनके लिए काफी ज्यादा चीजें यहां पर आसान हो जाएंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए मुश्किल रहेगी थोड़ी। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको आज नहीं, लगभग 4 से 5 दिन हो गए होंगे तब ये चीज आपको बता दी थी। देखो यार, सी हैज ब्रोकन हर लेग। अब वो क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ लिख देंगे ब्रेक, और यहां पे बोलेंगे कि भाई साहब गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैंने आपको बताया, जिन्होंने भी टेंस पढ़ रखी, जिन्होंने भी ग्रामर पढ़ रखी है, कि जो परफेक्ट के टेंस होते हैं, परफेक्ट इन द सेंस, परफेक्ट का मतलब क्या, लिखो अपनी कॉपी में, निकालो कॉपी, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन हमेशा लेके ही बैठना अपने को, कॉपी कॉपी पेन अपने को क्या, हमेशा लेके बैठना। सी हैज ब्रेक लिखा हुआ था यहां पे, फिर उन्होंने यहां पे बोला कि गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म लिखो, ब्रेक मतलब होता है टूटना, तोड़ना। ठीक, तो अब मैंने ब्रेक को ब्रोकन क्यों बताया, ब्रोकन। ठीक है, ब्रेक को ब्रोकन क्यों बताया, ये इसलिए होता है जब भी परफेक्ट के टेंस होते हैं। बोलोगे परफेक्ट के टेंस को कैसे पहचाने, ये नहीं मगजमारी। तो मैंने कहा यार इतनी टेंशन मत लो, देखो क्या मामला है इसका, इसका मामला कुछ ऐसा है कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में हैज लिखो, कॉपी में लिखो अपनी हैज, और हैज को आप क्या करोगे, हैज लिख दो और हैव भी लिख दो साथ में, हैज हैव लिख दो, हैज लिखो हैज, और फिर उसके बाद में एक स्लैश लगा लेना ऐसे, और फिर लिखना हैव। ठीक हैज हो जाएगा, उसके स्लैश में लिख लो हैव, हैज हो गया। उसके ब्रैकेट में लिखो क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रेजेंट, कि भाई साहब परफेक्ट का तो है लेकिन परफेक्ट में कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट। ठीक है, तो जब भी आपको हैज हैव दिखेगा तो आप समझ जाना ये परफेक्ट का टेंस है। इसके अलावा और भी है, और भी है ना, और भी है, और क्या है, हेड, हेड दिख जाता है तब भी आप समझ जाओगे क्या ये परफेक्ट का है। हेड के ब्रैकेट में आप लिखोगे पास्ट, क्योंकि जो हेड है ना वो पास्ट परफेक्ट का होता है, और जो हैज है ये अपने प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी हेड, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी हैज होगी और हैव होगी। हैज अपन सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं, पास्ट में ऐसा कुछ रोल नहीं है, कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप हेड लगाओ और फुर्सत हो जाओ। ठीक है, एक और चीज, हैज हो गया, हैव हो गया, इसके बाद में तुमने परफेक्ट का, सॉरी पास्ट परफेक्ट का हेड लिख लिया, फ्यूचर को मत छोड़ो, उसका भी लिखो, विल हैव और शैल हैव, उसका भी लिख लो, विल हैव शैल हैव। तो जब भी आपको ये चीजें दिखे तो आपको समझ जाना है, क्या समझना है, मैं वो आपको चीज बताता हूं कि यार जो यहां पे वर्ब दी उन्होंने ब्रेक, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म वो आपको यहां पे लिखनी होगी। जैसे ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होगी ब्रोक, थर्ड फॉर्म होती ब्रोकन, तो आपको यहां पे लिखनी। ठीक है, क्लियर इतनी चीज, ओके बाबा। यू कैन राइट विद अ पेंसिल, आप पेंसिल से लिख सकते हो, ओके इजी। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, ग्रेट आ गया, ग्रेट क्या चीज है यार, अब मैंने आपको बोला ग्रेट थिंग्स हो तो आप उसके आगे द लगा लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि यहां पे ग्रेट दे दिया और आप उसके आगे द लगा दो, नहीं।
पढ़ो इसको, ग्रेट। आप इसको लिखोगे क्या आएगा, ग आएगा सबसे पहले। ग क्या अ से ह के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, एन तो लगेगा नहीं, आता जाएगी सीधे ए पे। द तो बहुत कम केसेस में यूज होता है, ठीक है। एक और यूज बता देता हूं आपको द का, यहीं से। जैसे मैंने कहा, आप ही में से कहता हूं, किसी को भी कहता हूं, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स, आयुष को मैंने कहा, आयुष प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ए पेन बोल रहा हूं, ए पेन, ठीक है। लेकिन वही मैं कुछ अलग ढंग से कहना चाहूं कि भाई साहब आयुष तुम अगले रूम में अगले रूम में जाओ, और वहां पे जो मेज पर जो पेन रखा हुआ है उसे ला कर दो, उसे ला कर दो। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, प्लीज गिव मी द पेन विच इज केप्ट ऑन द टेबल इन नेक्स्ट रूम, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पेन क्या के द लगा रहा हूं, गिव मी अ पेन विच इज केप्ट, सॉरी, गिव मी द पेन विच इज केप्ट ऑन द टेबल इन नेक्स्ट रूम, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब हम कुछ स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं कि भाई साहब वही चीज आपको करनी है, तब आप ए नहीं, तब आप द का यूज करोगे, क्लियर। स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है यहां पे। मैंने कहा उससे कि भाई अगले रूम में जाओ, वहां पे जो टेबल पर पेन रखा हुआ है उससे उठाकर लाओ, क्लियर। बस इतनी सी बात है, तब आपको द यूज करना है। तब आप ये मत देखना प पेन पेन है, प आ रहा है, इसके आगे मैं एन नहीं लगाऊंगा, ए लगाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको। जब आपको दिख जाएगा, अलग ही दिख जाएगा कि यार ये तो कुछ बड़ा सा सेंटेंस है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज करने को बोल रहा है, तब आप क्या करोगे, द लगाओगे, क्लियर। इसके अलावा जैसे मैंने एक और चीज, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको यहीं पे, एग्जाम्पल को लिखते भी चला करो, एग्जाम्पल को लिखो भी सही। एक और एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहां पे दे दिया, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, ओके। तो यहां पे मैंने क्या किया, द बॉय किया, नहीं तो एक्चुअली मैं क्या कर सकता था, ए बॉय लिख सकता था। लेकिन जब मैं उसको कुछ चीज बता रहा हूं उससे रिलेट करके कि यार जो बंदा लाल शर्ट पहने हुए है वो क्या है, वो मेरा भाई है, द ब्रदर, सॉरी, हाँ वो मेरा भाई है, ओके। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, क्लियर। अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, क्लियर इतना। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ये अपने कर लिया था। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, ये भी हमने कर लिया था। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया ना टेबल वेबल का कि क्या चीज है भैया, देयर इज, अब देखो वही चीज यहां पे मैंने आपको उदाहरण दे देता हूं एक और, देयर इज ए सूट केस, देयर इज ए सूट केस, कि भाई साहब एक सूट केस है ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, जो कार है उसकी जो पीछे की सीट है, कार है उसकी जो पीछे की सीट है वहां पर सूट केस रखा हुआ है, ओके। ये चीज मैं बता रहा हूं। तो मैं क्या, अगर मैं सिर्फ सूट केस की बात करता हूं कि एक सूट केस है, बस इतना बोल रहा हूं कि एक सूट केस है, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज ए सूट केस। लेकिन लेकिन मैं क्या कर रहा हूं भाई, उसको स्पेसिफिक अलग ही तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, स्पेशल बना के बता रहा हूं कि भाई साहब कार की पीछे की सीट पर, कार की पीछे की सीट पर एक सूटकेस है, तब वहां पर क्या लगेंगे, द लगेंगे। राजू कैन राइट विद आइदर, किसी भी हाथ से लिख सकता है वो, ओके। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, हाँ चलो ये रहेंगे कुछ इस तरीके से। अब इनको और भी अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको, डिटेल में तो क्या ही पढ़ देंगे पढ़ेंगे, अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन एक एक नंबर के क्वेश्चंस में काफी ज्यादा समय दें। 10 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे यार इन्हीं ऐसे, इन्हीं की तरह 5 तो आपसे डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, और वहीं 5 आपसे वो पूछेंगे क्या डू एस डायरेक्टेड, ठीक है। तो अभी जो चीज अपन ने पढ़ी यहाँ से बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं। इसके अलावा जो प्री बोर्ड के सेट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना, ऐसी धारणाएं मत बनाओ कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। किस किस को लगता है कि प्री बोर्ड के सेट्स से क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल आए हैं, किस किस को लगता है, हैंडर्स करके बताएंगे किस किस को लगता है। देखो अगर आपको लगता है तो सचमुच हैंडर्स कर दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ प्री बोर्ड के सेट से क्वेश्चन पेपर आए हैं। अब मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है, 3-4 बच्चों ने हैंडर्स किया, हाँ अब और भी ज्यादा के हैंडर्स आए हैं, ओके ओके। अब ये बताओ, अभी ये तो सबने बता दिया ईमानदारी से, अब ये बताओ कि आप में से कितने बच्चे जिन्होंने प्री बोर्ड के सेट्स को ध्यान नहीं दिया था, प्री बोर्ड के सेट्स पर ध्यान नहीं दिया था, सही साइड बताओ, एकदम हैंड्रेस कर दो, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली। होता क्या है, हम ना किसी चीज पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उसका अपने को खामियाजा भुगतना पड़ता है यार। ये चीज हुई आज के पेपर में, कई सारे बच्चों ने प्री बोर्ड के सेट्स पर ध्यान नहीं दिया, हमने आपको कहा था बार बार, इसीलिए आपको भेजा भी था कि यार इन प्री बोर्ड के सेट्स से आप प्रिपेयर करोगे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक
ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आप उससे प्रिपरेशन करोगे तो क्वेश्चंस आएंगे, नहीं करोगे तो क्या मतलब है, पता ही नहीं चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। ठीक है, तो ये चीजें प्रीबोर्ड की सेट से बिल्कुल क्वेश्चंस आए हैं, आप अभी भी मिला के देखोगे आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, देखो आप उनको मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रीबोर्ड के सेट्स जो है वो आपको प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है इसको तो आपको पढ़ना है ही सही किसी भी हाल में, ठीक। बाकी प्रीबोर्ड के सेट्स भी आप प्रायोरिटी पर रखें, क्लियर। अब देखो यारो, अब देखो कुछ चीजें अपन यहां पे देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा है इधर क्या ब्रैकेट में सिंग, और यहां पे आया है सिंगिंग, कहने का मतलब ये है कि यहां पे लिखा हुआ था समझ लो सिंग, माई ब्रदर इज अ सिंग, उसको ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने, फिर क्या बोलेंगे, गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लियर है। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, माई ब्रदर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मेरा भाई एक गाना गा रहा है, मेरा भाई एक गाना गा रहा है, ओके। उसके साइड में क्या बोलेंगे, वो गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पे वो लिखेंगे सिर्फ सिंग, तब आपको क्या समझना है यार, गा रहा है, गा रहा था, गा रहा होगा, ये चीजें अगर आती है तो आपको समझ जाना है कि कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं कि जो वर्ब है परफेक्ट में, मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में जो वर्ब होती है, जो वर्ब होती है उसके आगे हम आईएनजी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, क्लियर हो गया इतना, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ओके। अब कैसे पहचानोगे कि यार ये कंटिन्यूअस का टेंस है, पहचानोगे ऐसे कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखती है, लिखो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिख ली, प्रेजेंट की सॉरी कंटिन्यूअस की, देखो आप कंटिन्यूअस की लिखोगे आप सभी, इज आर एम, लिखो 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 फटाफट, इज आर एम, ओके। इसके ब्रैकेट में लिख देना प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, इज आर एम। इसके अलावा अगर आ जाता है वाज वर, वाज वर, वाज वर, वर की स्पेलिंग सही लिखना, डब्ल्यू ई आर ई, कुछ बच्चे इसे वैर पढ़ते हैं लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर, ठीक है, वाज वर, ये आ गए तो आपको क्या समझना है कि हाँ ये कंटिन्यूअस का टेंस है, इसके आगे मुझे आईएनजी लगाना है, वाज वर हो गया। इसके आगे और भी चीजें हैं, क्या हैं, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, तब आपको क्या करना है, बिल्कुल आईएनजी लगाना है, ओके। सो ये चीजें हैं, और देखो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, कि भाई साहब वो पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रहा है, तो वो क्या करेंगे पता है, ये तो मैंने आपका आंसर लिख रखा है, बाकी यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ ये है, अगर अपन इसको मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखें तो वहां पर आएगा लिखा हुआ लिव, ठीक है, और फिर बोलेंगे गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तब आपको क्या करना है, इधर देखो यहां पे कि वो आपको टाइम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके आगे उन्होंने फोर या सेंस लगा रखा है, तो आपको समझ जाना है, क्या समझना है, आपको समझना ये है कि यार ये ना परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में आप क्या करोगे, प्रेजेंट होगा तो आप हैज बीन, हैव बीन लगा दो, और इसके अलावा पास्ट रहता है तो आप हैड बीन, लिविंग लगा सकते हो, ठीक है। अब यहां पे अपना कुछ भी क्लियर नहीं है कि यार ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तो क्लियर ना हो तो कुछ भी लगा दो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो यहां पे क्या बताया गया कि ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, कि भैया वो पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रहा है, ओके। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे लिव लिखा हुआ था, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, लिव लिखा हुआ था, तो हमने अप्रोच समझी गया, लिव लिव लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हो सकता है प्रेजेंट का ही हो, ठीक है। सो ये बात है, हमने थोड़ा सा बाकी आप डायरेक्ट यहाँ पे हैड बीन लिविंग भी लगा दोगे तो कोई आपके नंबर वंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे से क्लियर करना चाहता हूँ, क्या, कि जब भी फोर या फिर सिंस हो उसके आगे टाइम दिया हो लास्ट 10 ईयर्स, इसके अलावा हो सकता है सुबह 10 बजे से, या फिर हो सकता है पिछले 3 हफ्ते से, ऐसी चीजें अगर आ रही है फोर और सिंस के साथ, तो आपको समझ जाना है कि यार ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, किसका टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्लियर। अब एक और चीज देखो, इसी को थोड़ा अपन उल्टा को फुल्टा करके देखते हैं, हैज बीन लिविंग इन दिल्ली हो गया, इसके अलावा क्या हो गया यहाँ पे, द लास्ट 10 ईयर्स हो गया, द लास्ट 10 ईयर्स हो गया। अब ये जो फोर है, हो सकता है यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे और पूछ ले कि भाई यहां क्या आएगा,
दो ऑप्शन होते हैं अपने पास, एक हो सकता है फोर, एक हो सकता है सिंस। तो फोर आपको कब लगाना है, सिंस आपको कब लगाना है, उस चीज का ध्यान रखिए। मैं कहूंगा फोर आप तब लगाओ जब टाइम इंडेफिनेट हो, फिक्स ना हो कि यार पिछले 10 दिनों से, या फिर पिछले 10 सालों से, या फिर कहूं पिछले 3 दिन से, है ना, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसी चीज अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, टाइम फिक्स नहीं है। ठीक, वही अगर मैं एग्जैक्ट टाइम की बात करूं, एग्जैक्ट टाइम कैसे होगा, एग्जैक्ट टाइम ऐसे होगा अगर मैं कहता हूं कि भैया बुधवार से, बुधवार से, इसके अलावा अगर मैं कहता हूं सुबह से, ठीक सुबह से, इसके अलावा अगर मैं कहता हूं 1997 से, तो जब भी फिक्स टाइम की बात करूंगा तब आप सेंस लगा देना। और सेंस मतलब अगर फिक्स टाइम की बात ना हो, इंडेफिनेट टाइम हो, डेफिनेट ना हो, तब आप क्या करोगे, फोर लगा दोगे। क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें हैं यहां पर। जैसे यहां पर देख लो, और ही हैज बीन इल, अब देखो यहां पर उन्होंने फिक्स टाइम बता दिया, फिक्स डे बता दिया अपने को, भैया मंडे से वो बीमार है, तो अपन ने क्या कर दिया, यहां पे सेंस लगा दिया, यहां पे क्या लगा दिया अपन ने, सेंस लगा दिया। यहां पे कुछ सफर जैसा शब्द आता है कि भैया वो इस वजह मतलब इस बीमारी से बीमार है, या फिर इस बीमारी की चपेट में है, तब आपको क्या करना होता है, फ्रॉम लगाना होता है। जैसे अगर मान लो यहां पे हैज बीन तो नहीं आएगा, फिर इस आ सकता है, ओके हाँ, तब आपको क्या करना था, फ्रॉम लगाना होता है। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था ये सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओके आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ऐसे केसेस में आपको फ्रॉम लगाना है। एक चीज मैंने आपको और बताई कि जब किसी चीज का मतलब डेथ वेथ का कुछ पर्टिकुलर रीजन दे रखा हो, जैसे कि ही डाइड ऑफ कोलेरा, तो ऑफ लगाना है वहां पे, बिकॉज नहीं लगाना, ही डाइड बिकॉज कोलेरा, ऐसी चीज नहीं लिखनी है आपको। क्या करना होगा वहां पे, ऑफ ही लगाना होगा। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक थोड़ा सा अपन उसको ओवरव्यू देख रहे हैं कि हाँ अपन ने जो चीजें पढ़ी वो थोड़ी अपने माइंड में फिक्स रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, और देखेंगे कुछ चीजें ऐसी भी रहेगी ग्रामर की जो हम कल सुबह जो क्लास लगाएंगे ए सेक्शन वाली, जिसमें हम पैसेजेस देखेंगे, इसके अलावा नोट मेकिंग समरी देखेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम प्रोज, ये चीजें भी देखेंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम और प्रोज जो है अपन ऑलरेडी देख लिए, लेकिन वो भी पूरी की पूरी पैसेज जैसी है, तो वो भी अपने साथ में कवर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी अलग से टाइम अपने को देना नहीं पड़ेगा, उसी में हो जाएगा, दोनों की एक ही अप्रोच रहेगी। क्लियर? इसके अलावा नोट मेकिंग और समरी जो थोड़ा सा टॉपिक है जो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कल सुबह। और बात करें अपन सेक्शन डी की, जो टेक्स्ट बुक से अपना वो ऑलरेडी अपना पूरा कंप्लीट है, सेक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन की अगर आपको बात अगर आप रिवीजन की क्लास चाहते हैं तो बिल्कुल अपन रिवीजन की क्लास लगा लेंगे कल शाम को 4 बजे। क्लियर है ना? अब देखो यार, जैसे यहां पे देखो, वी लिव हेयर सिंस 1952, 1995 से रह रहे हैं यहां पे। अब एक चीज देखोगे आप, यहां पे लिखा है सिंस और यहां पे दे दिया उसके जस्ट पीछे टाइम, तो मैंने आपको बताया कि जब भी सिंस फोर हो और पीछे समय दे दिया हो, तो समझ जाना कि ये साला परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, वैसा परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। क्लियर? अब परफेक्ट कंटिन्यूस में भी अगर अपने को 100% ये श्योर होना है कि यार ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तो आप इस वर्ब को देखो, ये जो वर्ब है लिव, वर्ब दिया ना पे लिव, अगर ये यार साली पास्ट की होती तो चांसेस है कि यार ये सेकंड फॉर्म में होती लिव्ड, क्योंकि पास्ट में तो सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो आप यहां से थोड़ा कैप्चर कर सकते हो कि हाँ यार ये प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की है। हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, हेल्पिंग वर्ब बताई थी, ठीक है, सिंगुलर रहेगी तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, ओके कंफ्यूज मत होना। जो अपने हैज हैव देखी थी ना, वो थी परफेक्ट की, और ये जो हैज बीन हैव बीन है ना, ये है परफेक्ट कंटिन्यूस की। नोट डाउन करो, हैज बीन हैव बीन, अब परफेक्ट कंटिन्यूस की भी देख लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। हम क्या ना टेंस को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक बात तो क्लियर है। मानसी रघुवंशी, क्या रिपीट करना है आप मुझे बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। कहां पे आपको कंफ्यूजन हुई थी बिल्कुल बता दीजिए, हम रिपीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, चैट बॉक्स में बता दो। तालीम का पेपर बहुत हार्ड गया, बहुत अच्छी बात है। कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया तालीम, चैट बॉक्स में बताओ यार, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया आज का पेपर। तालीम खान हैज लेफ्ट द मीटिंग, बहुत बढ़िया, चलो कोई नहीं। तो ये चीजें हैं अपने पास, अब हम क्या करेंगे, समझते हैं इस चीज को। वी लिव हेयर सिंस 1952, ये चीज यहां पे लिखी हुई है, फिर लिखा सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। अब हमने इसको पकड़ लिया कि यार ये प्रेजेंट का हो सकता है, नहीं भी पकड़ पाओ तो अगर आप पास्ट का भी लिख दोगे ना, तब भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर मिलेंगे। क्लियर?
अब देखो मैंने आपको बता रखा है, सॉरी कंटिन्यूस की हेल्पिंग में बता दी, परफेक्ट की बता दी, अब मैं बता रहा हूं आपको परफेक्ट कंटिन्यूस की, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे यहां पर अपवाद, जिन्हें अपन अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन होंगे ऐसे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि यार आप भी लिख लो, आप भी अपनी क्लास में पढ़ते हो है ना, तो अपने को भी अच्छा खासा पोटेंशियल देना है अपनी ओर से, 100% देना है कि यार हमारे भी मार्क्स हैं अच्छे घर से, ठीक है ना, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखो यार। लिखेंगे क्या, हैज सॉरी हैज बीन, हैव बीन, ये हो जाएगी अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। हैड बीन किसकी हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। और उसी तरीके से शेल हैव बीन और विल हैव बीन, ये हो जाएगी अपनी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है। तो ये चीजें, तो अब देखो, अब इससे अपन यहां पे क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि यार मुझे इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है। पहले ना, पहले ज्यादा डरो मत, समझो इस चीज को कि यहां पे समय दिया है 1952 से, कोई सा भी समय दिया हो, 1952 से, 4 साल से, 3 दिन से, सुबह से, शाम से, कुछ भी समय दिया हो, कुछ भी है ना, वो मैटर नहीं करता, कुछ भी समय दिया है, उसके आगे सिंस या फोर लगाए, सिंस लगाए या फिर फोर लगाए, तब आपको क्या समझ जाना है कि यार ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है, यार परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते ना। चलो अपन ने लिख दिया वी, वी लिख दिया यार, इसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना रहे हैं, तो वहां पे हेल्पिंग अब तो हैज बीन और हैव बीन लगती है। और अपने को बताया था सर ने कि हैज जो हैज तो यार अपने सिंगुलर में लगेगा, और वी तो प्लूरल होता है, वी मतलब हम क्या है, पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लिंग नहीं, प्लूरल है ना, बहुवचन है ना, लिंग भी है बहुवचन भी है, लेकिन वहां पे अपन यहाँ पे जेंडर की बात नहीं करें, ठीक है। वी क्या है यहाँ पर, समझ गए आप सभी, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, क्लियर है, बहुत अच्छा। इसके अलावा देखो, हिज ब्रदर कैच फिश, हिज ब्रदर कैच फिश, इनका कहने का मतलब क्या है कि उसका भाई मछली पकड़ता है। अब ये बोल रहे प्रेजेंट इंडेफिनेट में करो, तो इंडेफिनेट में जब भी अपन करते हैं, और नॉर्मल सा अपना प्यारा सा सेंटेंस हो, असर्टिव एफर्मेटिव, यानी कि बिना किसी नोट का और बिना किसी क्वेश्चन मार्क का, तब जो सिंगुलर रहता है ना, सिंगुलर, जैसे यहां पे देखो हिज ब्रदर यानी कि उसका भाई, हिज ब्रदर यानी कि उसका भाई, जो सिंगुलर रहते हैं ना, उनमें हमको एसीआईएस लगाना पड़ता है, तो कैच है उसके आगे अपने लगा दिया ईएस, क्लियर। वही अगर प्लूरल है, प्लूरल है सॉरी, जैसे वी हो गया, इसके अलावा दे हो गया, तब अपन कुछ नहीं लगा, तब अपन ऐसे लिख देते कि दे कैच फिश, दे कैच फिश, ओके, वहां पे अपन कैचेस नहीं लिखते, सिंगुलर में लिखेंगे बस, और कब, जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, क्लियर। द चाइल्ड क्राइज फॉर मिल्क, यहां पे बोल रहे कि पास्ट कंटिन्यूस पे कन्वर्ट करो, यानी कि यहां पे लिखा है देखो, द चाइल्ड क्राइज फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रोता है, इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, कैसे करोगे, बहुत आसान है, मैं बता देता हूं आप सभी को। देखो सबसे पहले द चाइल्ड एज इट इज लिखोगे, फिर पास्ट कंटिन्यूस क्या, अपने को हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, क्या होती है, वाज और वर होती है, मैंने आपको अभी बताई थी, वाज और वर, वाज का यूज कब करोगे आप, जब सिंगुलर हो, ये सिंगुलर है, द चाइल्ड एक बच्चा है भैया, तो यहां पे मैंने वाज लगा दिया, ठीक है। क्राई यहां पे मेन वर्ब है, उसकी आईएनजी फॉर्म भी लगेगी, मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, इसके अलावा कंटिन्यूस का टेंस है, वहां पे आपको आईएनजी लगाना होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में आईएनजी लगाते हैं, इसके अलावा अगर परफेक्ट का है तो वहां पे थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, थर्ड फॉर्म यार ज्यादातर बहुत आसानी से बन जाती है, जैसे क्राई है तो इसका आप क्राइड कर दो, क्राइड कर दो, CRIED है ना, सप्लाई है तो सप्लाइड कर दो, ओके, मेक है तो मेड कर दो, कई बार ऐसी बन जाती है अपनी थर्ड फॉर्म, फोर मिल्क, ठीक है। राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आपको क्या करना होता है, उनको अरेंज करना होता है, तो अरेंज कैसे करेंगे वो भी आप सीख लो, कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, की सेंटेंस का मुखिया कौन है भैया, ये रहा राजू, अरे राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है, ये मैंने अगर आपको एक शब्द सॉरी वाक्य बोला है, तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, राजू के बारे में की जा रही है ना, तो हमने राजू लिख दिया सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यार हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अपन क्या मानेंगे, कैन, ओके, कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम वगैरह कुछ भी नहीं, कैन है तो कैन लिख दो। फिर यार क्या होता है, फिर होता है क्या, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है वो लिखते हैं, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपनी हेल्पिंग वर्ब, अब आएगी अपनी मेन वर्ब, तो ये आ गए अपनी मेन वर्ब है ना, लिखना, इसको अपन मेन वर्ब कहते हैं, फिर जो भी चीजें हैं वो अपन बाद में लिख देंगे, कि ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट आप हैंड लिख दो, नहीं, वो हाथ से, किसी भी हाथ से लिख सकता है, तो अपने को वो भी तो पता ना, विथ आइदर किसी भी हाथ से लिख सकता है, दोनों हाथ से लिख सकता है, ठीक है, ये चीज है यार। अब ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं, ये चीज बहुत आसान होती है, ये चीज बहुत आसान होती है, हद से ज्यादा आसान होती है, एक नंबर आपको यूं मिल जाएंगे, डू एज डायरेक्टेड में, वी सा ए गुड मूवी यस्टरडे,
वी साय गुड मूवी यस्टरडे, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखो यार एक और चीज नहीं अपन को यहाँ पे मिलेगी, अगर आपने वो वीडियोस देख रखे ना तो आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा, और अगर नहीं देखे तो नया लगेगा, लगेगा ऑब्वियसली बात। वी सा ए गुड मूवी यस्टरडे, भैया हमने कल एक अच्छी मूवी देखी, क्लियर। अब वो बोल रहे इसको नेगेटिव में चेंज करो, तो मैं क्या करूंगा, सा को मैंने जैसे देखा तो मेरे माइंड में एक चीज फिट हुई, यार सा मतलब देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है, ये जो सा है ये सी की सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म तो अपने प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट में लगती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस था तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, लेकिन ये मैसेज कह रहे हैं कि नेगेटिव में बनाओ, नेगेटिव में बनाना है तो तब तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो ठीक है मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है अपने सॉरी पास्ट परफेक्ट में, तो आपको क्या चीज यहां पे समझ में आई कि पास्ट इंडेफिनेट का अगर टेंस है एफर्मेटिव है तो आपको जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो एकदम प्यारा सा ऐसा नोट बना लो, मतलब नोट्स बनाते चलो साथ में, नोट्स इन द सेंस इतने यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दी पास्ट इंडेफिनेट, हेडिंग नहीं मतलब न्यू ही लिख दिया नॉर्मल सा पास्ट इंडेफिनेट, उसके आगे लगा दिया, उसके आगे लगा दिया एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में क्या रहेगा अपनी सेकेंड फॉर्म है ना, वहीं आप क्या करोगे नीचे लगाओगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वहां पे आप क्या लिखोगे सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी वहां पे फर्स्ट फॉर्म में आएगी और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, वी डिड नॉट, नॉट क्यों आया क्योंकि अपन इसको नेगेटिव में बना रहे हैं, एसर्टिव रहता एफर्मेटिव रहता, एसर्टिव और एफर्मेटिव एक ही चीज है ना, अगर अपना एफर्मेटिव होता तब अपन क्या करते हैं बस सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ये देखो जैसे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी, लेकिन नेगेटिव में बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, और हेल्पिंग वर्ब लगा दी और नेगेटिव में बनाना है, नोट ही नहीं लगाया तो नेगेटिव में बनेगी नहीं, नोट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वी डिड नॉट सी ए गुड मूवी यस्टरडे, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ओके। अब देखो एक और चीज, ये तो मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक चीज बताई थी कि सिंगुलर रहता है वहां पे अफर्मेटिव में तो अपन ई एस लगा देते हैं या फिर एस लगा देते हैं, इट इज जस्ट हिंदी, लेकिन कब, जब वो अफर्मेटिव हो, बात करें अगर वो नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है तब आप क्या करोगे, तब आपको करना ही होगा कि कोई जरूरत नहीं रहेगी आपको टीच के आगे आप एस या एस लगाओ, बस हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब देखो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू डस, डू डस, डू कब लगाओगे जब प्लूरल होगा, डस कब लगाओगे जब सिंगुलर होगा, तो ही डज नॉट टीच हिंदी, ओके। चलो अब हम थोड़ा सा माइक ऑन करवा लेते हैं सभी बच्चों के और करते हैं थोड़ी बातचीत कि क्या कुछ समझ आ रहा है और कैसी चीजें चल रही है। सर मेरा नहीं गया, अच्छा छूट गया, दीपक का पेपर थोड़ा सा छूट गया है, तो यार समय का ध्यान रखा करो, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो जिनका वेटेज ज्यादा है, तभी मजा आएगा यार, है ना सर। प्रांजल सर पहले ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन करें फिर कम वेटेज वाले पे आए ना, क्या हो गया, पहले ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन करें फिर कम वेटेज वाले पे आए ना, हाँ पहले ज्यादा वेटेज पे फोकस करो, अब ज्यादा वेटेज तो देखो पैसेज का भी होता है, लेकिन आपको मैसेज पे बाद में आना है, वो आपका टाइम टेकिंग होता बहुत ज्यादा, और अगर आप यस सर बहुत ज्यादा ही, हाँ स्टार्टिंग में अगर आप उसको टाइम देने लग जाओगे तो उसमें आप पता नहीं कब स्टार्टिंग के आप 30 से 40 मिनट निकाल दोगे और पता ही नहीं चलेगा, वहीं आपको क्या करोगे क्या करना है उसको लास्ट में करना है, तो लास्ट में अगर आपके पास 10 मिनट भी रहेंगे तब भी आप उनके आंसर एकदम करेक्ट लिख के आओगे, ठीक है। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने क्वेश्चंस दिए पीडीएफ में, सर वो सफिशिएंट है, हाँ बिल्कुल सफिशियंट है, और अगर आपने उनको कर लिया है तो बिल्कुल आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको और क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक। लेकिन अभी स्टार्टिंग में अगर ये जो क्लास है ना वो उस पर्पज से स्टार्ट की गई है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं जिनको पास होना है या फिर 60-70 नंबर लाना है तो वो प्रिपरेशन अपनी कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर सर वो क्वेश्चंस सफिशिएंट है मतलब, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है पास होने के लिए, और आप अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हो, है ना, तो वो उनको कर लेना, उसके बाद में मुझे बता देना अगर हो जाए तो आपको क्या कर लेना है कि जो प्री बोर्ड के सेट्स हैं उनके क्वेश्चंस को भी आप लर्न कर लेना, बस इतनी सी बात है, ओके सर। हाँ प्रांजल सर एक बार नोटिस का फॉर्मेट बता देना, नोटिस देखो नोटिस का फॉर्मेट आपको सेंड कर दिया गया था पीडीएफ में, ओके, फिर भी आप कह रहे हो तो जो कल रिविजन वाली क्लास रहेगी ना अपन उसमें सारी चीजें कर लेंगे, ओके सर, ठीक है। सर ये नरेशन बता दो एक बार, इसमें डाउट है। हाँ, नरेशन, चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन है ना, नरेशन में डाउट है। ओके, तो दो मिनट देखते हैं अपन।
कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंबाइंड कंजंक्शन, द जर्नी वाज डायरेक्ट, ठीक है। ये देखो ये आगे चेंज द नरेशन पे, हाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी अपन कवर कर लेते हैं। में याद ही ना हो, देखो चेंज द नरेशन। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे सेड टू हो, क्या हो सेड टू हो, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए यहां पे सेड टू हो और उसके आगे कोई सा नाम वाम दिया हो, जैसे नेहा सेड टू मी, तो सेड टू रहता है ना सेड टू, तब अपन उसकी जगह लिखते हैं टोल्ड, और अगर टू वो कुछ नहीं है तो आप सीधे के सीधे सेड लिख दोगे। क्लियर, ये एक चीज माइंड में अपने फिट कर लो, ठीक है। नेहा सेड टू, टू आ गया सेड टू, तभी आप उसको टोल्ड में चेंज करोगे, अन्यथा नहीं करोगे, ठीक है। सेज टू आता है तो आप उसको टेल्स में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन सिर्फ सेज आता है तब आपको सेज ही लिखना पड़ेगा। इतना हो गया। अब देखो, नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, ये चीज है, नेहा सेड लिख दिया अपन ने, फिर इसको अपन ने क्या किया इन्वर्ट कॉमा में यहाँ पे बंद करके लिख दिया। ये हो गया अपना क्वेश्चन, बोल रहे चेंज द नरेशन कैसे करोगे, नेहा सेड लिखोगे, ओके। अब ये जो हमारे पास कॉमाज है, इन्वर्टेड कॉमाज है, इनको अपन हटाएंगे, देन हमें क्या करना होता है, दैट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है, दैट। अब देखो यार, ये नेहा ने बोला कि वह उस बैग को खोलना चाहती है, नेहा ने बोला कि वह उस बैग को खोलना चाहती है, क्लियर। लेकिन मैं इस कथन को बाद में बोल रहा हूं, ये उसने बताया था ऐसा, नेहा ने कहा कि मैं इस बैग को खोलना चाहती हूँ, की नहीं लगाते, चलो। नेहा ने कहा मैं इस बैग को खोलना चाहती हूँ। अब आप इसको बाद में किसी फ्रेंड को बताओगे तो कैसे बताओगे कि भाई नेहा ने कहा कि वो उस बैग को खोलना चाहती थी, ठीक है। ये चीज आप बोलोगे तो वही चीज अपन यहाँ पे लिखेंगे, नेहा सेड दैट, दैट लगा दिया। अब आई, आई को आप चेंज कर दो यहां से नेहा से, नेहा से चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और नेहा की जगह कुछ और होता, मान लो यहाँ पे मोहन होता तो यहाँ पे सी नहीं आता, तब यहाँ पे क्या आता, ही आता, ठीक है ना। यहाँ पे लड़की की बात हो रही ना, तो यहाँ पे सी आएगा, लड़का होता तो यहाँ पे ही आ जाता, ठीक है। नेहा है, हमने इसका बना लिया तो सी बन गया, सब्जेक्ट बना लिया इसको, ठीक। नेहा सेड दैट सी, देखो आपने आप इसको ऐसे भी समझा है, कैसे समझ सकते हो, राम इज ए गुड क्रिकेट प्लेयर, राम इज ए गुड क्रिकेट प्लेयर, ये मैंने बोल दिया। इसके आगे मैं जितनी भी उसकी विशेषताएं बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, ही करके बताऊंगा, ही कैन प्ले स्टेट ड्राइव, इस तरीके से जो भी चीजें मेरे को उसकी स्पेशलिटी जो भी बतानी है वो सारी सारी ही करके बताऊंगा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे भी आपको ध्यान रखनी है कि नेहा एक बार अपने नाम ले दिया तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को बार बार नेहा नहीं लिखना, अब सीधे उसके ही या सी अपने जो भी रिस्पेक्टिव आता है वही लिखना है, ठीक है। नेहा सेड दैट सी। अब देखो यार, वांट, वांट तो उस समय के लिए था, लेकिन जब आप इसको बाद में बता रहे हो तो ये क्या चीज है, पास्ट की हो चुकी है। पास्ट में क्या करते हैं अपन, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, तो वांट की सेकेंड फॉर्म क्या बन गई, वांटेड, वांटेड टू ओपन। अब देखो यार, मान लो अपन इस क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके साइड में पेन रखा हुआ है, या फिर हाँ चलो बैग, बैग के उदाहरण लेते हैं, दिस बैग, दिस बैग मतलब यह बैग। अब बाद में अगर अपन इस चीज के बारे में बोलेंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे यह बैग, क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वह बैग की बात करेंगे, तो आप दिस को कैसे चेंज करोगे, दैट में चेंज कर लोगे, ठीक है। तो नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, एग्जांपल अच्छा है, लिख लो इस ऐसे। अब देखो ऐसे करके कोई से भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बिल्कुल उसको लिख पाओगे, है ना, इस तरीके से अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको लिख पाओगे, है ना। वांट को हमने ये इसमें क्यों करा, पास्ट में क्यों करा, क्योंकि सेड ये जो यहां पे स्टार्टिंग जो थी वो पास्ट की थी, तो हमने इसको भी पास्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, पास्ट में कन्वर्ट कर लिया। लिख लो इसका उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, और भी होते हैं यार इसके कुछ इंटरोगेटिव वाले भी, लेकिन उनको अगर अपन करेंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग है और वेटेज वही आपको पता है एक नंबर का है, ठीक है, चांसेस कम है, आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं आएंगे, लेकिन हमें तो देखना है कि यार हमारा भी स्तर कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रिपरेशन करनी है। मैटर ये नहीं करता कि हम कितना ज्यादा पढ़े हैं, मैटर ये करता है हमने जिसे पढ़ा है उसे रिवाइज कितनी बार किया है, वो चीज ज्यादा माइंड रखती है, क्लियर, ठीक है। चलो दूसरा उदाहरण देख लो, सी सेज आई एम इल, सी सेज आई एम इल, आई एम इल, उसने कहा, उसने कहा मैं बीमार हूं, उसने कहा मैं बीमार हूं, ये बात हो गई। अब मैं इसको चेंज जनरेशन करेंगे तो कैसे होगा, सी सेज, सी सेज, अब ये देखो कोमा इन्वर्ट कोमा हटाएंगे, यहां पे लगा देंगे दैट, सी सेज दैट।
अब देखो यार, यहां पे मैंने सी तो लिखा है, लेकिन इसके आगे वाज वाज कुछ नहीं लगाया, ना ही मैंने कुछ कहीं पे सेकंड फॉर्म वगैरह लिखी है। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यहां पे मैंने इसलिए किया था, यहीं पे पास्ट आ चुका था, देखो नेहा सेड, यहीं पे पास्ट आ चुका था, तो मेरे को सब कुछ चीजें पास्ट में करनी पड़ी, वांटेड है ना, और दिस की जगह पे फिर डेट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब प्रेजेंट ही है, सेज मतलब प्रेजेंट तो है, सेड होता तो पास्ट होता, सेज प्रेजेंट है तो मैं इसे पास्ट में क्यों कन्वर्ट करूं? प्रेजेंट तो है, सी सेज डेट, और आई की जगह पे क्या करोगे? सी लगाओगे, क्योंकि वह बीमार है, वह बीमार है, आप थोड़ी बीमार हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? इसको चेंज कर दो, इससे सी से चेंज करोगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेहा से चेंज करते तब भी सी आता, ओके, मुस्कान से चेंज करते तब भी सी आता, क्लियर। अब देखो यार, आई था तो एम था, लेकिन सी है तो इज आएगी ना, हेल्पिंग वर्ब, सी के साथ एम थोड़ी लगाओगे, सी इज इल, क्लियर। तीसरा उदाहरण वो देख लो, दे सेड वी हैव टेकन एक्सरसाइज, वी हैव टेकन एक्सरसाइज। अब यार देखो, मैंने आपको बताया कि हैज हैव तो अपनी परफेक्ट की है, क्या है? परफेक्ट की है, ओके, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब अपने को यहां पे क्या चीज समझनी है? अब चाहे परफेक्ट की हो, किसी की भी हो, लेकिन यहां पे तो अपने पास ये आ चुका है पास्ट का, ये बता रहा, दर्शा रहा है ना कि पास्ट का है। हाँ यार, पास्ट का तो है, तो अब हम क्या करेंगे? दे सेड तो एज इट इज लिख देंगे, कोमा इनवर्ट कोमा हटाएंगे, डेट लिख देंगे, डेट लिखा। अब देखो आप, डेट हो गया, यहां पे लिखा है वी, वी इसको आप यहां से चेंज करोगे, तो वी को आप यहां से चेंज करोगे, क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा ना, तो मैंने यहां पे लिख दिया ही, सॉरी, दे सेड दैट दे। अब जो हैव टेकन था उसको मुझे हैड टेकन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो हो गया अपना देखो प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन यार ये पास्ट में है, पास्ट में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेना होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। हैव टेकन की जगह हम हैड टेकन कर देंगे, एक्सरसाइज एज इट इज, ठीक। कुछ यहाँ पे मॉडल्स हैं जिन्हें जिनके ऊपर भी एक बार नजर मार लेते हैं, कुछ इस तरीके से भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। हाउ डेयर यू टू कम इन माई रूम, ओके, दे आर यूज द टू बी, यूज द टू बी वेल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। तो ये कुछ आपसे इस तरीके से प्रश्न वगैरह बनेंगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, सॉरी टेक कॉफी, तो आप समझ जाना कि हाँ यार हमें ये चीजें लिखनी है, आइदर नाइदर है, तो आप आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता, ओके। इसके अलावा मे गॉड ब्लेस यू, और ब्लेस यू विद ए फादर, सॉरी डॉटर, ठीक है। तो विशेष जब भी आप दे रहे होते हैं, जब भी आप विशेष दे रहे होते हैं किसी को भी, बधाई दे रहे होते हैं, तब बधाई दे रहे, सॉरी शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, तो आपको मैं लगाना होता है स्टार्टिंग में आगे, क्लियर, ये चीज याद रखना। इसके बाद में मे माइट शुड, मे माइट शुड, तो देखो यार, द बस मे कम लेट, यानी कि जब भी किसी चीज की संभावना हो, संभावना, तब अपन लगाते हैं मे, ठीक है, जब भी किसी चीज की संभावना तब अपन मे लगाते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि संभावना के अलावा जब भी हम किसी चीज के लिए आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि भाई साहब वैसा हो जाए, ठीक है, विश करते हैं, तब भी हम मे लगाते हैं, ठीक है। अनुमति संभावना शुभकामना, अगर आपको एक चीज में समझाना चाहूं एक लाइन में, तो अनुमति संभावना शुभकामना, इन चीजों में अपन मे लगाते हैं। अनुमति यानी कि अगर आप परमिशन ले रहे हो कि सर मैं आई कम इन, तो आपने क्या लगा दिया? मे लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो यानी कि शुभकामना दे रहे हो, तब आप क्या बोलोगे? मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसके अलावा अनुमति हो गया, शुभकामना क्या, संभावना, संभावना, ये देखो द बस मे कम लेट, कि भैया जो बस है वो लेट हो सकती है, फिर देर से आ सकती है, जो बस है देर से आ सकती है, क्लियर। ये अपन ने यहाँ पे संभावना व्यक्त कर दी। ये हमारे पास कुछ सेक्शन है, नोट मेकिंग समरी, अनसीन पैसेजेस आर नॉट मेंशन्ड हियर, तो ये जो पैसेज वगैरह है और जो भी अपना पूरा है सेक्शन है, इसकी चिंता आप अभी मत करो, इसको हम कल सुबह वाली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद में यार, इतना होने के बाद में चलो, और क्वेश्चन है अपने पास, डोंट वरी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो देखो करेंगे अपन इन सभी को, करेंगे इनको भी, पढ़ते हैं अभी करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि अभी अपने पास अभी टाइम है बस। फिर ये जो पीडीएफ है ना अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, इनको पढ़ लेना, बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगी ये चीजें, है ना। और जो पैसेज और नोट मेकिंग और समरी की जो आप बात कर रहे हैं, डरे हुए हैं, ये ठीक उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, और उतने ही आसान है जितना हिंदी का पेपर था, ठीक। अब देखो ये चीज अपन ने पढ़ ली थी, ऑल द मिल्क, एक चीज यहां पर देखी जा सकती है कि यहां पे क्वेश्चन बनाने को बोल रहे हैं, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, यस भाई साहब, नौकर ने आपको पूरा मिल्क, पूरा दूध दे दिया। अब ये बोल रहे हैं यार, मेक ए क्वेश्चन विथ हाउ मच, ये बोल रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन बनाओ, इसी से यूज करो हाउ मच को, तो कैसे बनाओगे? हाउ मच का मतलब कितना होता है यार, सॉरी मैंने वहीं पे मतलब बता दिया आपको,
हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना ही तो होता है, क्या होगा कितना, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे चीज बताई गई है कि जो सर्वेंट है उसने आपको पूरा मिलकर दे दिया, आप उसी को क्या करो क्वेश्चन बना दो कि भैया भाई साहब जो नौकर ने सर्वेंट ने कितना दूध दे दिया, तो आप लिखो कि हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। क्लियर, बस इतनी सी बात है। नरेशन देखो, फिर वापस से नरेशन आ चुकी है, अपन ने अभी प्रैक्टिस करी नरेशन की। तो ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। चलो इसको करेंगे, इसको करेंगे कैसे होगा, ही सेज यहां पे लगाते हैं अपन डेट, ही आ गया, हैज आ गया, कंप्लीटेड आ गया, हिज आ गया, होमवर्क आ गया, ठीक है। यहां पे कोई अपन चेंज नहीं किया, हैज की जगह हेड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर सेड नहीं था, यहां पे सेज था। सेड होता पास्ट का होता तब अपन ये चीजें भी पास्ट में लिखते हैं, लेकिन अभी अपने को कोई जरूरत नहीं है ऐसी करने की। क्लियर, और देखो और भी चीजें अपने पास, ये तो इनके ऊपर कहाँ जा रहे हैं अपन, चेंज द वॉइस है। चलो उससे पहले अपन ये चीजें देख लेते हैं, कुछ इस तरीके के भी प्रश्न बन जाते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अब ये बोलेंगे कि यार आप अनलेस का यूज करो और इसको रीराइट करो, किसका यूज करेंगे, करने को बोलेंगे अनलेस का, अनलेस। तो आप कैसे यूज करोगे, पहले आप ऊपर वाले को समझ लो, इफ यू डू नॉट हार्ड वर्क यू विल फेल, अगर आप कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। क्लियर, अब ये बोल रहे हैं आप इसको अनलेस से चेंज करो, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठोर परिश्रम नहीं करोगे यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यहाँ पे डू नॉट की जरूरत ही नहीं है, अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा लगाओ यू विल फेल, ठीक। और बताते हैं आपको, इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, रीराइट यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री। ओके, इंदौर भाई साहब मुंबई से बड़ा नहीं है, क्या बोल रहे हैं आपको वापस से लिखना है कंपेरेटिव डिग्री का यूज करके। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, मुंबई इज बिगर देन इंदौर, वही अपन ने घुमा के लिख दिया उसको। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जो इंदौर है वो मुंबई से बड़ा नहीं है, तो मुंबई इंदौर से बड़ा है, ये बात तो क्लियर है। तो आप क्या कर दोगे, मुंबई इज बिगर देन इंदौर, ठीक। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, कि भाई साहब जो लीड है वो सबसे बाकी के जितने भी मेटल्स हैं उन सबसे मतलब हैवियर है, यानी कि भारी है। अब वो बोल रहे कि इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री इन द सेंस, पता है आपके मन में क्या आता है कि यार इसको ना अपन सुपरलेटिव में कर देते हैं कितना आसान होगा, कि लीड इज द हैवीएस्ट मेटल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने को बोल रहे हैं। पॉजिटिव में कैसे करोगे, कि नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। तो पॉजिटिव डिग्री में आपको कब देखने को मिलेगी चीजें, किस तरीके के फॉर्म में देखने को मिलेगी, इस तरीके के, जैसे यहां पे देखो इज एज, और यहां पे कुछ आपकी जो भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे क्वालिटी बताई गई थी बिग, यहाँ पे बताई जा रही है हैवी, तो एज के बाद में जो भी आपकी क्वालिटी है उसके बाद में फिर एज आता है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव कैसी थी, इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, इंदौर मुंबई से बड़ा नहीं है, ये अपन ने नॉर्मल से एक सेंटेंस लिख दिया एज बिग एज, यानी एज, फिर यहाँ पे आ गई अपनी जो भी विशेषता थी, जो भी थी भाई साहब बिग हैवी जो भी है वो अपन ने लिख दिया, उसके जस्ट बाद अपन ने एज लिख दिया एज बिग एज मुंबई। अब बोले कंपेरेटिव में करो, कंपेरेटिव में आप कैसे करोगे, कंपेरेटिव में आपको ध्यान रखना है, कंपेरेटिव में क्या होगा, हम किसी कंपेरेटिव यानी कि देन लगा देंगे, कंपेरेटिव में आप देन लगा सकते हो, इसके अलावा टू भी लगता है, ठीक। तो कंपेरेटिव में ये चीजें होगी, मुंबई इज बिगर देन इंदौर, यहाँ पे अपन ने बिग को भी बिगर कर दिया है ना, ये चीज है। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, चेंज इन टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसा फॉर्म में रहेगा उसका मैंने आपको बता ही दिया है, एज और फिर जो भी यहाँ पे विशेषता है उसके बाद में एज, तो नो अदर मेटल, कि भाई साहब कोई सी भी मेटल अपने लेड से ज्यादा हैवी नहीं है। ओके, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ये चीज आपको बताई जा रही है। क्लियर, अविनाश कोरा वो भी आ रहे हैं, प्रियांशी कुछ पूछना चाहती हैं आप, हेंड्रिक्स किया आपने, बिल्कुल माइक ऑन कर दिया जाएगा, बताइए अविनाश अपना पेपर कैसा गया, चैट बॉक्स में बताना, माइक ऑन मत करना है ना, माइक ऑन करोगे तो टाइम जाएगा। सर मेरे को 12 वाले में डाउट है सर, ओके ओके, देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं, डोंट वरी, चलिए। एक्चुअली इसमें एज, तो मेरे को ये डाउट है, इसका ऐसे भी तो बन सकता है, नो अदर मेटल इज सो हाई सो हैवी एज लीड, सो भी तो लग सकता है सर एज की नहीं, जगह। नहीं 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 ये इसका फॉर्मेट सही नहीं होगा, है ना, ये चीज सही नहीं मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू अपनी ग्रामर, ग्रामर में यही है आपको कि जब भी पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस रहेगा तो वो इसी तरीके से रहेगा, एज बिग एज या फिर एज हैवी एज, एज टेल एज, ठीक है, एज सून एज, ओके, ये चीजें।
है ना। तो हमें यहाँ पर जो भी अपने पास ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पर नहीं चलानी है। चला सकते हो आप, बिल्कुल चला सकते हो। कहाँ पर? जब भी आप कुछ जैसे आर्टिकल लिख रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं आएगा, आर्टिकल लिख रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नोटिस वगैरह लिख रहे हो, देन क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो, तब तो आप ये चीजें कर दोगे, चल जाएगा काम, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करना है तो नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे भी तो देखो, इंदौर इज नॉट बिग एज मुंबई। ओके, यहाँ पे अपन ने उसी को अलग तरीके से लिखा है यहाँ पे कि नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। ओके, यानी कि यहाँ पे नोट आ जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। या फिर यहाँ पे तो मैंने नो अदर लिख दिया, मतलब कोई सी भी मेटल। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं इसकी आयरन की, तो आप क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे? आयरन इज नॉट एज हैवी एज लेड। ओके, आयरन इज नॉट एज हैवी एज लेड। ठीक है, ये चीजें होती हैं यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे अपन, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। जो आयरन है भाई साहब, बाकी किसी भी मेटल से सबसे ज्यादा, मतलब बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनसे ज्यादा यूजफुल है। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो। तो सुपरलेटिव में कैसे करोगे? मोर को आप सुपरलेटिव में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा। तो आयरन इज मोस्ट यूजफुल मेटल। अब एक चीज अपन ने आर्टिकल के अंदर पढ़ी थी कि जब भी अपनी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके जस्ट आगे हमको, सॉरी जस्ट पहले हमको द लगाना होता है। ठीक है, तो इस द का भी अपने को ध्यान रखना है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। क्लियर? अब देखो यारो, आगे आते हैं थोड़ा। दे वर प्लेइंग, ये देखो पूरा नहीं लिखा गया सेंटेंस, दे वर प्लेइंग हॉकी। तो मान लो यार यहाँ पे हॉकी लिखा है ना, ज्यादातर स्टूडेंट साइंस के हैं तो मान लो हॉकी, दे वर प्लेइंग हॉकी। अब बोल रहे हैं यार वॉइस चेंज करो, एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव में करो। कैसे करोगे बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे हॉकी लिखा हुआ होना था, कोई बात नहीं, हॉकी। तो आप उसको क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओगे, जो सबसे पीछे लिखा है ना उसको आगे ले आओ। तो ये यहाँ पे मैंने ले आया आगे, आगे ले आया, क्या बन गया यहाँ पे? हॉकी सब्जेक्ट बन गया। देखो यार यहाँ पे लिखा था दे वर प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे लिखा था दे वर प्लेइंग हॉकी, है ना। तो मैंने हॉकी जो सबसे पहले, सबसे लास्ट में लिखा था उसको सबसे पहले लिख लिया। क्लियर? जब भी आप पैसिव में करोगे तो आपको ये चीज लिखनी होगी। ठीक है, तो हमने कर दिया हॉकी। अब देखो यार, दे के साथ वो लोग वर लगा रहे थे, दे के साथ वो लोग क्या कर रहे थे? वर लगा रहे थे। लेकिन अब यहां पे अपने पास आ चुका है हॉकी, हॉकी के साथ हम वर लगाएंगे क्या? नहीं, वर कब लगेगा? जब प्लूरल हो, सिंगुलर हो, तो हम वास लगाएंगे। तो हमने लगा दिया हॉकी वास। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके एक्टिव सेंटेंस में, चलो नोट करने लायक बात आ चुकी है, नोट करेंगे सभी, नोट करो, कॉपी पेन ले लो और नोट करो कि जब भी, यार इतना बड़ा सा नोट नहीं करना, मैं जो चीज बता रहा हूं मेन पॉइंट उसको लिखना है खास। तो कि इज आर एम वाज वर लिखोगे आप, इज आर एम वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब लिख लो फटाफट से नीचे, इज आर एम वाज वर, इज आर एम वाज वर। ओके, ये अगर हमको एक्टिव सेंटेंस में आपको पहले से दी है, इस एक्टिव सेंटेंस में अगर आपको पहले से दी है, तो आपको उसके जस्ट बाद बींग लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बींग लगाना होगा। इज आर एम वाज वर अगर आपको पहले से यहां पे दी है, पहले से दी है यहां पे, ये देखो जैसे यहां पे दी हुई है वर, तब अपन क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे? बींग लगा देंगे जस्ट आगे। तो हॉकी वाज बींग। एक रूल तो आपको समझ में आ ही गया है, कौन सा रूल? कि जो लास्ट में लिखा है यहां पे उसको आपको यहां पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा। यहां पे लास्ट में हॉकी लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा वो बात अलग है ना, दे वर प्लेइंग हॉकी, तो हमने उसको सबसे आगे लगा दिया हॉकी। ठीक, फिर यार वर यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे अपने लगाया वाज, क्योंकि अपने को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। सिंगुलर है तो वाज आ जाएगी, प्लूरल है तो वर आ जाएगी। क्लियर? तो हॉकी वाज। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, इज आर एम वाज वर, ये चीजें हैं तो आपको बिंग लगाना पड़ेगा ऑलरेडी, अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में दी हुई है तो लगा दिया अपन ने बिंग। हाँ, दिया हुआ था भैया वर। ठीक, अब एक और रूल है इसमें, क्या है वो रूल? कि जो वर्ब होती है ना अपनी, मेन वर्ब जो होती है, उसकी हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। थर्ड फॉर्म जैसे अपन परफेक्ट में करते हैं, परफेक्ट में भी तो करते हैं, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, मेक है तो मेड हो जाएगा, ठीक है ना, स्पेंड है तो स्पेंट हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा क्राई है तो क्राइड हो जाता है। ओके, चलो अब इसके आगे क्या होता है? प्लेड हो गया। प्लेड के बाद में यार अब बचा क्या है यहाँ पे? अपना जो मेन सब्जेक्ट दे। अब एक चीज को आप ध्यान रखो, जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमने पेसिव का सब्जेक्ट बना दिया, तो क्या इस एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पेसिव का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो दे को हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया देम, लेकिन उसके पहले हमको बाय जरूर लगाना होता है।
ठीक है, बाय जरूर लगाना होता है। देखो यार, दे है तो हमने देम बना दिया, ही होता तो क्या बनाते, उसको भी लिख लो, हिम बनाते, लिख लो एक छोटा सा चार्ट बना लो, दे है तो देम बन गया, ही है तो हिम बन जाएगा, इसके अलावा सी होता तो हर बन जाता। लिखते चलेंगे आप, है ना, जो चीज बता रहा हूं, दे है तो हमने उसको क्या बना दिया, और साथ में लिख भी लेना कि ये वॉइस के रूल हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना, जो पता ही नहीं रहे कि लिख तो लिया लेकिन रूल किस चीज के हैं, इस बात का ध्यान रखना कि वॉइस चेंज करने को बोल रहे हैं। तो हमने रूल लिखे हैं क्या क्या, कि भाई साहब अगर पहले से इधर वाज वर है तो हम बिंग लगा देते हैं, इसके अलावा जो वर्ब रहती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है, और इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाय लगाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे ही नहीं बन जाता है, कुछ चीजें अपने को चेंज करनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो देम बना दिया, ही होता तो हिम आ जाता, सी होता तो हर आ जाता, इसी तरीके से अगर वी होता, वी तो क्या आ जाता, अस आ जाता, है ना, वी होता तो अस आ जाता। क्लियर, इतना अगर आपका लिख जाए तो आप बिल्कुल हमें एड्रेस करके बता सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, अभी कुछ ही बच्चों का हुआ है, काफी सारे बच्चों का बचा हुआ है, कर लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हमने लिख दिया भाई साहब, हॉकी वाज बींग प्लेड बाई देम, रूल लिख रहे हो ना, दे को हम देम से कर देंगे, ही को हिम से करेंगे, सी को हर से करेंगे और वी को अस से कर देंगे। इसके अलावा लड़के का नाम है तो आप हिम से कर देना, लड़की का नाम है तो आप हर से कर देना, ठीक है, जैसे यहां पे नाम भी दिया हुआ है, चलो यहां पे ये आ गया, हरी का नाम आ चुका है, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रख लेना कि जैसे यहां पे, चलो वो तो अभी बात का विषय है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपन, जब उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा ना तो अपन वैसी चीजें देखेंगे, अभी आपको माइंड में ज्यादा कचरा भरने की जरूरत नहीं है। ही नोज मी वेल, देखो ही नोज मी वेल, वह मुझे अच्छे से जानता है। अब अपने को क्या करना है, इसको पैसिव में बनाना है, तो ये जो मी है ना, मी, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी सब्जेक्ट बनेगा तो आई आ जाएगा। ओके, देन आई, अब यार यहाँ पे नोज आ गया था, नोज यानी कि ये तो उसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बनाओ तो बिना हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं चलेगा। जैसे यहां पे देखो, बिना हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है ना, लेकिन जब आप इसको पैसिव बना रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब आप पूछोगे कौन सी लगानी है, फिर क्या करें, मैंने कहा पहचानो ये कौन सा टेंस है, नोस एसीआईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बस उसी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। प्रेजेंट की कौन सी लगाएंगे, इंडेफिनेट की, नहीं इंडेफिनेट की नहीं लगती इनमें, इनमें हमको लगानी होती है इसकी, किसकी, अपने कंटिन्यूस की। ओके, कंटिन्यूस की अपने को लगानी होती है, क्लियर हो गया इतना, कंटिन्यूस की अपने को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो मैंने लिख दिया आई, फिर यहाँ पे आई के साथ क्या लगाऊं, इज लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊंगा ना, आई एम, वेल को लिख दिया मैंने एज इट इज, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन टू हिम, ठीक है, बाय भी आ जाता है कभी कभी, हिम भी आएगा, सॉरी टू भी आएगा, जब इस तरीके का सेंटेंस आपको देखने को मिले तो आप वहां पे टू लगाओगे। ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इसको जरूर से आप एक उदाहरण के तौर पे अपनी कॉपी में लिख लें, ही नोज मी वेल आई एम वेल नोन टू हिम, ही नोज मी वेल आई एम वेल नोन टू हिम। वी शैल स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स पढ़ेंगे, हाँ भाई साहब उसका भी पेपर आ रहा है, पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दे देते हैं। वी शैल स्टडी फिजिक्स, इसको कर देते हैं अपन चेंज पैसिव में, तो आप क्या करोगे, ये जो सबसे पीछे है इसको सबसे आगे बनाओगे सबसे पहले, तो ठीक है, फिजिक्स, देन सेल, ये जो सेल है, ये जो सेल है, हाँ एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहीं पे, कि ये देखो एम के साथ अपन ने बिंग नहीं लगाया, एम के साथ अपन ने बिंग नहीं लगाया, मैंने आपको बताया था इज आर एम वाज वर हो तो हम क्या करते हैं, बिंग लगाते हैं, लेकिन आपको ये भी बताया था कि अगर वो आपको पहले से एक्टिव में इज आर एम वाज वर दिया हुआ हो तभी आप बिंग लगाओगे, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं अपने को इज आर एम वाज वर, ये तो अपन ने बाद में लगाया उसको, बनाया सेंटेंस तब जाके यहाँ पे एम आया, ठीक, तो यहाँ पे बिंग नहीं आया, यहाँ पे देखो पहले से दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे बिंग लगा दिया, क्लियर। अब आओ यहाँ वी सेल स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स पढ़ेंगे, इसको अपन करेंगे पैसिव में, तो फिजिक्स सबसे पहले आ जाएगा,
अब यार वी के साथ सेल आता है, आई के साथ सेल आता है, सबके साथ सेल थोड़ी आता है, विल भी आता है ठीक। तो हमने फिजिक्स के साथ लगा दिया विल, आई और वी के साथ सेल आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल आएगा। अब एक और रूल पैदा हो जाता है यहां पर कि हमने एक रूल तो देखा इज आर एम वाज वर है, तब तो हम लगा देते हैं क्या बींग, लेकिन यार अगर सेल विल हो तो क्या करेंगे। मैंने कहा सेल विल है तो आप उसके आगे सिर्फ बी लगा दो, क्या करोगे बी लगा दोगे बी, और सेल विल के अलावा कुछ है तो। मैंने कहा सेल विल के अलावा क्या है, तुम कहोगे कि यार हो सकता हैज हो, हैव हो, हेड हो, तो मैंने कहा उसके आगे बीन लगा देना, क्या लगाओगे बीन लगा दोगे, हैज हैव हेड है तो क्लियर, लेकिन अगर सेल विल है तो आप बी लगाओगे, इज आर एम वाज वर है तो आप बिंग लगाओगे, और अगर हैज हैव है तो हैड, सॉरी हैज हैव हेड है तो आप बीन लगा देना उसके आगे, जैसे हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, क्लियर। चलो इसको पढ़ते हैं अपन, वी सेल स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स को हमने सबसे उठाया, सबसे पहले उठाकर यहां पे लिख दिया फिजिक्स, फिर लगा दिया हमने विल, विल सेल होता है तो अपन बी लगाते, तो हमने बी लगा दिया। अब यार थर्ड फॉर्म तो सब कुछ भले चले ना चले लेकिन थर्ड फॉर्म चलेगी पैसे में ठीक है, तो हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको, स्टडी स्टडी हो गया। अब यार देखो वी को अपन बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे अपन, अस, उसके पहले बाय लगा देंगे, क्लियर। दे आर फ्लाइंग काइट्स, वो पतंग उड़ा रहे हैं, वे पतंग उड़ा रहे हैं। चलो इसको भी कर लेते हैं, काइट्स जो सबसे पीछे लिखा हुआ था आ जाएगा सबसे आगे। अब देखो यार पहले यहां पे आ रहा था, यहां पे भी अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, प्लूरल है, काइट्स यानी कि पतंगे ठीक है, पतंगे, पतंगों की बात हो रही है, एक पतंग की बात नहीं हो रही, तो हमको यहां पे आर लगाना, दे मतलब वो लोग है ना वे ठीक है, तब भी आर था अब भी आर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार चेंज हो, काइट होती तो बिल्कुल अपन इस लगाते, लेकिन काइट है तो अपन आर लगा दिया, काइट्स आर। अब यार इस सेंटेंस में पहले से इधर वाज वर है क्या, है ना, आर दिख तो रहा है, तो मैंने कहा अब बिंग लगाओ फिर, तो बिंग लगा दिया अपन, ये रहा। अब यार फ्लाई, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है फ्लाई, अब फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है फ्लोन, क्या होती है फ्लोन, तो हमने लिख दिया काइट्स आर बींग फ्लोन। अब देखो हम कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा देम, तो उसके आगे हमने लगा दिया बाय, क्लियर। और देखो डज हरी नॉट टेप द डोर, डज हरी नॉट टेप द डोर, क्या करोगे क्या करोगे, इसको पैसे में चेंज करोगे, तो इस तरीके से होगा कि ये जो डज है क्या डिफाइन कर रहा है, ये डज अपने को डिफाइन कर रहा है यार कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, अपने को हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखनी होती है, इज आर एम वाज वर, है ना, तो अपन लगा देंगे यहाँ पे इज, हरी सिंगुलर है तो अपन ने यहाँ पे इज लगाया ठीक है, डोर सिंगुलर है स्पेशली, डोर की बात कर रहे हैं अपन, डोर डोर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगा यार, डोर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों नहीं आएगा, मैंने पूछा कि यार यहाँ पे दे सबसे पहले आ रहा था, तो हमने जो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था उसको सबसे पहले लिख दिया, यहाँ पे वी सबसे पहले आ रहा था तो यहाँ पे जो लास्ट में लिखा था उसको यहाँ पे पहले लिख दिया, यहाँ पे देखो दे वर प्लेइंग हॉकी तो यहाँ पे जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो आ रहा था हॉकी उसको यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा यार हरी यहाँ पे सबसे पहले नहीं आ रहा है, हरी बाद में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या है डज, तो मैं क्या करूंगा इसको लिख दिया मैंने इज, पहले से यहाँ पे इधर एम वाज वर होता तो यहाँ पे मुझे बींग लगाने की समस्या होती, लेकिन इज लिख के काम चल रहा है मेरा ठीक है। इज इज द डोर, ये देखो अब उठा लो इस पीछे वाले को, इज द डोर, इज द डोर, फिर आप क्या करोगे नोट लगा दोगे एज इट इज, है ना। अब थर्ड फॉर्म तो भाई परमानेंट ही रहेगी पैसिव में, तो हमने लगा दी थर्ड फॉर्म टैप्ड, इज द डोर नॉट टैप्ड, यहाँ पे लिख दिया आपने बाय, और ये जो सब्जेक्ट है उसको आपने लिख दिया यहाँ पर लास्ट में हरी, क्लियर क्लियर हो गया इतना बस ठीक है। ये चीज हमने अभी कवर करी, वन कैन नॉट गेदर रोजेस फ्रॉम थिस्टल्स ठीक है, सो रोजेस कैन नॉट बी गेदर्ड फ्रॉम थिस्टल्स, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे तो आप इन्हें आसानी से बना पाएंगे। और भी चीजें हैं यहाँ पर, मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, जैसे यहाँ पे देखो, चलो पहले इसको देखते हैं अपन ना, वन कैन नॉट गेदर रोजेस फ्रॉम थिसल्स, तो फ्रॉम थिसल्स यहाँ पे थिसल्स ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे बात की जा रही है गेदर रोसेस, तो यहाँ पे रोजेस अपना ऑब्जेक्ट है, बाकी ये साथ में फ्री का मटेरियल है, तो जो अपने केमिस्ट्री के रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट आते हैं ना वैसे, है ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं अपने को, रोजेस की बात हो रही है, हमने इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या कर दिया सब्जेक्ट बना दिया ओके। देन देखो कैन नॉट था तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने कैन नॉट ओके। अब मैंने आपको बताया कि सेल विल हो तो भी आता है, सेल विल के अलावा भी आएगा, कब आएगा, सेल विल कैन कुड मे माइट, तो आप क्या करोगे बी लगाओगे, तो हमने लगा दिया बी।
ठीक है, तो रोजेस कैन नॉट बी। अब यार थर्ड फॉर्म हमेशा परमानेंट रहेगी, ये गेदर है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेदर्ड, गेदर्ड ठीक है। और फिर लास्ट में ये जो अपना बाय प्रोडक्ट था, फ्री का मटेरियल था, उसको अपन ने एज इट इज लिख दिया फ्रॉम थी सेल्स। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, टीचर्स हिंदी, तो हिंदी को हमने सबसे पहले लिख दिया, हिंदी यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में अपने को तो यहाँ पे इधर वाज वर लगाना है कुछ ना कुछ, तो हमने लगा दिया इस। इसके आगे बींग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इधर वाज वर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हो, सॉरी एक्टिव में ऑलरेडी दिया हो ऊपर की तरफ, तभी अपन बींग लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो हिंदी इज ठीक है, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, ठीक है, टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। ओके बहुत इजी है, ये भी सिंपल ही है। ये देख लो एक और, आई एम बाइंग मैंगोस, तो मैंगोस लिख दिया आपने एज इट इज यहां से उठा के यहां पे। अब यार मैंगोस के साथ एम तो नहीं लगेगा, इस भी नहीं लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, मैंगोस आर ठीक। अब इस आर एम वाज वर ऑलरेडी होता है तब अपन बींग लगाते हैं, देखो यहां पे एम ऑलरेडी है तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, बींग लगा दिया, क्लियर, बींग लगा दिया। अब बाय की थर्ड फॉर्म लिखोगे बॉट बाय मी, ठीक, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं ओके। और ये है अपने पास कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कुछ कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो इन चीजों में आपको पढ़ के समझ जाओगे क्या चीजें लिखनी होती है। सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाय से कार, ठीक है, सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाय से कार। अपने को इसको अरेंज करना है, कर लेते हैं कैसे करेंगे, ज्वाइन भी करना है कैसे करेंगे। सी कैन नॉट अफोर्ड बाइंग ए कार, सी कैन नॉट अफोर्ड बाइंग ए कार, क्लियर। और देखो यू मस्ट वर्क हार्ड, कहाँ गए हम, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए। यू वॉन्ट गेट जॉब, यू वॉन्ट गेट गुड जॉब्स, तो ये क्या बोल रहे हैं कि कंबाइन करो और के साथ, तो लिख दो क्या आप, यू मस्ट वर्क हार्ड और लिख दो यू वॉन्ट गेट गुड जॉब्स। ओके सुनील स्पीक्स इंग्लिश वेल, सुनील स्पीक्स इंग्लिश वेल, और यहां पे बताया जा रहा है इज अ फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश वेल, सॉरी यहां पे इजे लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे हिज फ्रेंड लिख देंगे, है ना, हिज फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश वेल। फिर क्या बोला जा रहा है कि कंबाइन विथ बोथ एंड एंड, सॉरी बोथ और एंड से आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कैसे कंबाइन करेंगे, ये इजे लिखा है ना इजे, इसको आप हिज समझोगे, ठीक है, यहाँ पे मिसटाइप हो गया है हिज, ठीक है, सुनील स्पीक्स वेल और इसके अलावा हिज फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश वेल, क्लियर, इतना हो गया। अब बोल रहे हैं कि कंबाइन कर दो बोथ एंड दोनों को यूज करके, तो हमने क्या किया, बोथ बोथ सुनील एंड हिज फ्रेंड, बोथ सुनील एंड हिज फ्रेंड। अब यहां पे देखो इधर स्पीक्स हो रहा था लेकिन यहां पे सिर्फ स्पीक है, क्यों, क्योंकि यार स्पीक्स यानी कि एस जुड़ा है, वो कब जुड़ता है, जब सिंगुलर हो, प्लूरल में एस नहीं जुड़ता है, तो हमने यहां पे इधर इज स्पीक लिख दिया और फिर आ गया अपना इंग्लिश वेल। ओके सो ये चीजें हैं यार, बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल से हैं, बट इनको और देख लेते अपन। हिज फ्रेंड वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, ये क्या बोल रहे हैं, कंबाइन करो यूजिंग नाइदर नोर, इन दोनों को यूज करके आपको कंबाइन करना है। तो आप क्या करोगे, नाइदर हिज फ्रेंड नोर हिज ब्रदर, ना तो उसका दोस्त और ना ही उसका भाई वॉज अलाउड टू सी हिम। तो कितना सिंपल है, नाइदर हिज फ्रेंड लिख दिया, ओके ये हो गया अपना हिज फ्रेंड, नाइदर हिज फ्रेंड, फिर आपने लगाया नोर और फिर लगा दिया हिज ब्रदर, ओके नॉर हिज ब्रदर वाज अलाउड टू सी हिम। नोट आप नहीं लगाओगे क्योंकि नाइदर का मतलब ही होता नहीं है ना, ना तो उसका भाई और ना ही उसका दोस्त अलाउड था उसको देखने के लिए। सी इज सिंगर, सी इज डांसर, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कंबाइन विथ नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब आपको नॉट ओनली लिखना है, इसके अलावा बट आल्सो लिखना है, इस तरीके से आप इन दोनों को कंबाइन करोगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर देते शुरू, कि सी इज लिखा, फिर हमने लिख दिया नॉट ओनली ए सिंगर, है ना, यहीं पे लाइन मार दी वाली, नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो, ये देखो ये लिखा है ना बट आल्सो, उसको भी मैंने यहां लिख दिया बट आल्सो ए डांसर। ओके तो ये चीजें हैं, ओके आसान आसान सी चीजें हैं, तो इनसे डरना नहीं है अपने को, आप इनको एक बार पढ़ लोगे। ये चीज और एक बार क्लियर करा देता हूं मैं आपको, ये वाली, एज सुन एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, एज सुन एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। इसको कैसे रीराइट करना है, कैसे लिखना है आपको वापस से नो सूनर देन का यूज करके, तो देखो ऐसे लिखना है, आप लिखोगे सबसे पहले नो सूनर देन का यूज करना है ना, सबसे पहले आप लिखोगे नो सूनर,
नो सुनर, इसके जस्ट बाद आपको लगाना होता है डिड। क्या लगाना होता है? डिड। ओके, अब यार ये एस सुन एस वगैरह को हटाओ और यहां पे जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द बॉयज, तो वो लिख दो आप द बॉयज। ठीक है, यहां पे बात हो रही सा, यहां पे सेकंड फॉर्म लिखी गई है, यहां पे हम अपने मेन मतलब वर्ब की मेन फॉर्म ही लिखेंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है सी। ठीक है, नो सुनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल। ओके, अब क्या कह रहे थे? नो सुनर, इसके अलावा क्या यूज करना होता है अपने को? देन। तो आपको यहां ब्रेकेट सॉरी इस कोमा तक कार्यक्रम पूरा हो जाए तो उसके जस्ट बाद आप देन लगा देना, उसके जस्ट बाद आप देन लगा देना और फिर एज इट इज लिख दो दे बिकेम साइलेंट। बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल है। नो सूनर देन का इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। कैसे करोगे आप? एक और बार बता देता हूं, एज सून एज को हटाओ, नो सूनर डिड लगा दो। पहले नो सूनर तो लिखना ही सही, अपने को बता दिया उन्होंने, राइट टू यूजिंग नो सूनर। डिड को थोड़ा सा याद रख लो, नो सूनर डिड। फिर लिखोगे आप क्या? द लिख दो, बॉयस लिख दो, सा यहां पे लिखा है लेकिन आप यहाँ पे मेन फॉर्म मेन वर्ब लिखोगे उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लिख दिया सी द प्रिंसिपल, कोमा जिसे हटाया ये दूसरी चीज अपने छाप दी यहाँ पे देन वाली, तो यहाँ पे अपने लिख दिया देन। ठीक है, दे बिकम साइलेंट। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं अभी तक जो अपने चीजें पढ़ी उनमें कई सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, है ना? तो ये भी वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अपने को कर लेना है। लिख लो इसको कॉपी में, लिख लो इसको कॉपी में। अब जो कल की क्लास रहेगी सुबह, उसमें हम क्या करेंगे, जो अपन ने भी ग्रामर पढ़ी इसको हटाओ और सीधे जाएंगे हम सेक्शन ए पर। सेक्शन ए जो कि पैसेज नोट मेकिंग समरी इनसे भरा पड़ा है, उसको अपन कवर कर लेंगे और कल शाम को जो क्लास रहेगी उसमें हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। सब कुछ क्या है यार? सब कुछ यही है, एक तो अपना राइटिंग सेक्शन रहेगा बी सेक्शन, और ये अपना सी सेक्शन ग्रामर। ठीक है, ये चीजें अपन रिवाइज करेंगे जो कि यही रिवाइज करने योग्य हैं। बाकी तो जो चैप्टर्स की समरी है वो आपको बिल्कुल अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएगी, तो उनमें आप चैप्टर्स की समरी भी जान लेना और साथ ही साथ उनके क्वेश्चन आंसर भी लर्न हो जाएंगे आपको। देखो समरी का खेल पता लग जाता है ना, तो क्वेश्चन आंसर याद करना आसान हो जाता है अपना। ठीक है, तो चलिए ये चीज थी जो आपने कवर कर ली है। अब जो नोट मेकिंग समरी का जो रोल है वो हम कल सुबह वाली क्लास में कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी, नोट मेकिंग समरी बहुत ज्यादा सिंपल रहेगी। अभी आपको क्या करना है, इस बात का आप ध्यान रखें कि अभी आप जो भी चीजें अपनी कवर हो चुकी हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पीडीएफ में अपन ने देखा ग्रामर का सेक्शन, ये कवर हो चुका है। इसके अलावा जो हमने देखा था सेक्शन डी यानी कि टेक्स्ट बुक, वहां पे हमने फ्लेमिंगो कवर कर लिया है विस्तार का। मैंने आपको टास्क दिया था कि उस दिन अपनी क्लास नहीं लगेगी, तो आप उस टाइम में ये जो विस्तार है इसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेना। ठीक है, बाकी अभी भी आपने नहीं किया तो अभी आपके पास टाइम है, विस्तार के क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो। ओके, डायरेक्टली सॉरी विस्तार के नहीं, जो फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन है उसको डायरेक्टली लर्न कर लो। विस्तार तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, है ना? तो विस्तार से एक्सप्लेन कर रखा है तो उसके क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, तो उनको भी रिवाइज मार लेना। इसके अलावा ये जो सेक्शन सी है इसको भी रिवाइज मार लेना। ठीक है, ये काम आपको करना होगा।